यस 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 आ जाओ भाई। चलो दादा हाँ भाई सब बैठ गए आराम से। इज द होल ऑफ इंडिया विथ मी। चलो जितने भी बच्चे सॉफ्टवेयर के थ्रू आए हैं मैं हाय लिख रहा हूं। मेरा नाम अभिषेक सर दिखेगा। यस जितने बच्चे हैं सब लोग प्लीज सेटल डाउन करो क्विकली। उधर पीछे भी जगह खाली है, बहुत खाली है। बाजू वाला दीवार तोड़ के भी अंदर ले लेते हैं आराम से। भाई तुम लोग इस साइड भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अतुल भैया बेंचेस का करो ना थोड़ा सा, और थोड़ा 10-15 बेंचेस लगाओ ना उधर एक पीछे। हाँ जी सर, जय हो जय हो जय हो मालिक जय हो। शुड आई फोटो मस्त आई, थैंक यू। चलो मालिक सब बैठ गए, शुड आई स्टार्ट? बोलो ना। हाँ तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं चालू कर ही देता हूं। चले भाई यार सुन ना, यहां पे सिर्फ थंबनेल ही दिख रहा है, तुम कुछ और कॉपी कर रहे हो क्या सॉफ्टवेयर में? ओके चलो लेट अस स्टार्ट। अच्छा गुड मॉर्निंग, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मुझको याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। एक मिनट चिल। हाँ जी तो हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन चालू किया था, सही? यस। पलटो रजिस्टर, जरा रजिस्टर पलटो जरा। हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन शुरू किया था। टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में ब्रो, हैशटैग ब्रो, टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले ओल्ड स्लैब से शुरू किया, जबकि एप्लीकेबल अभी डिफॉल्ट स्लैब है, पर हमने ओल्ड स्लैब से शुरू किया। रीजन ये था जब तक के पुराना नहीं समझेगा नया कैसे जमेगा, तो हमने पुराने से शुरू किया। हमने सबसे पहले समझा टैक्स दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट एंड स्पेशल टैक्स रेट। ऐसे दो तरह के धरती पर टैक्स रेट होते हैं, ठीक है। हम चले गए कहां पे भी है नॉर्मल टैक्स स्लैब देखने के लिए, एक चार्ट बनाया। चार्ट के तीन पार्ट थे, मैं अपने चार्ट को देख रहा हूं, मैं अपने चार्ट को देख रहा हूं, मैंने देखना शुरू कर दिया, मैं अपनी बुक में देख रहा हूं, मैं सर को नहीं अपनी बुक में देख रहा हूं। क्या मैं देख रहा हूं? तो जब मैंने चार्ट देखा तो चार्ट के तीन पार्ट है, इंडिविजुअल बिलो 60 नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, इनके लिए अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5,00,000, 5%, 5,00,000 टू 10,00,000, 20% एंड अबाउट 10,00,000, 30%। यस अच्छा जी, इंडिविजुअल हु इज सीनियर सिटीजन 60 और अबाव, इनके लिए 3,00,000 का लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5,00,000 का लिमिट है। बोलो हाँ यस। अच्छा जी, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, जिसमें से पहला है HEC। HEC कितने परसेंट से ऐड होता है मालिक? 4% टैक्स लाइबिलिटी में 4% से ऐड होता है। इसके बाद हमने देखा था टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है। अभी जब तक के मैं था बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। सर क्या हमें HEC को राउंड ऑफ नहीं करना, क्या हमें टैक्स को राउंड ऑफ नहीं करना? बेटा जब बात क्लियर लिखी है टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स, इसका मतलब जो टोटल इनकम है सीधा उसको राउंड ऑफ करना है, और जो टोटल टैक्स है फाइनल आंसर सीधा उसको राउंड ऑफ करना है। बीच की किसी फिगर को आपको राउंड ऑफ
नहीं करना है। बात बड़ी क्लियर है सेक्शन 288 ए 288 बी के अंदर में, कि सीधा टोटल इनकम को और सीधा टोटल टैक्स को राउंड ऑफ करना। तो एचयूएफ एचयूएफ सब राउंड ऑफ मत, एचईसी वगैरह राउंड ऑफ नहीं करते बैठने का। आहो फिर हम यहां से आगे बढ़े। हम लोगों ने देखा कि भैया लोग डिस्काउंट मांग रहे थे, टैक्स ज्यादा हो रहा था, लोग डिस्काउंट मांग रहे थे, टैक्स ज्यादा हो रहा था, तो क्या हुआ भैया, रिबेट लेकर के आया। रिबेट के लिए कितनी कंडीशन है, तीन। असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 12,500। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A के अंदर में तो आपको रिबेट लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। फिर हमने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के तरफ आगे बढ़े। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के अंदर में हम लोगों ने देखा कि कुछ इनकम ऐसी होती है जो डेली बेसिस पे अराइज नहीं होती, जो हर साल अराइज नहीं होती, ऐसी स्पेशल इनकम को स्पेशल रेट पे टैक्स किया गया है। दी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर स्पेसिफाइड इन, आर स्पेसिफाइड इन, बोलो ना बेटा, इनकम टैक्स एक्ट। तो हमने समझा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैसे बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112A मतलब वो शेयर्स बेच के आया हुआ है तो 10% बियॉन्ड रुपीज 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, कैजुअल इनकम एंड ऑनलाइन गेमिंग 30% एंड MMR जो हमने डिस्कस नहीं किया पर लिख के रखा 42.744%। से यस, अच्छा जी सर, तो इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चन भी करे थे, बोलो हाँ। तो हम क्वेश्चंस के ऊपर चल जाते हैं। मैंने आपसे कहा था बेटा होमवर्क करके आना, करके तो आए नहीं होंगे, तुम आए हो ना, पहले पहले बहुत इंटरेस्ट आता है, समझ सकता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन था 1.2, एवरीवन, पहला क्वेश्चन था 1.2, इसका आंसर क्या आना चाहिए बोलो। यस, मैं भी चेक कर लेता हूँ, 4,99,000 आपका टैक्स आना चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ 12,950, डू यू अग्री। आपका टैक्स आता है 12,948, इसको राउंड ऑफ किया तो आता है 12,950। इज एवरीवन इन इंडिया गेटिंग द आंसर मालिक? यस, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर था 2.2, एग्जाम्पल नंबर था 2.2, याद रखिएगा। आप मेरे को बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में सर आपने रिबेट क्यों नहीं दिया, मैंने क्लियर कट लिख के रखा है ऊपर विदाउट रिबेट, मैंने सिर्फ आपको टैक्स निकालना सिखाया था यहां पे। दूसरे में भी मैं विदाउट रिबेट मांग रहा हूं आपसे, पहले तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, राउंड ऑफ इज 499,990, डू यू अग्री। 499,990 माइनस 2,50,000 पे 5% प्लस 4% इज योर टैक्स पोस्ट राउंड ऑफ, इज इट 13,000 ब्रो? वो आता है 12,999.48, राउंड ऑफ करके 13,000। एवरीवन, इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड प्रॉब्लम से हमने रिबेट चालू किया था, 3.3 वॉज द होमवर्क, चेक, पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा ब्रो, 496,970, एवरीवन, टैक्स आफ्टर राउंड ऑफ एंड रिबेट निल निल निल, यहां गलती होने के 100% चांसेस है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। विल द आंसर बी निल? नो, आपको सबसे पहले क्या निकालना था मालिक, राउंड ऑफ निकालना था। राउंड ऑफ निकालने के बाद इसमें से BEL, बेटा BEL का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। BEL का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो पहले यहां से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करेंगे। मेरे मन में सवाल उठा कि भाई क्या नॉन रेसिडेंट को भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है? हाँ। क्या नॉन रेसिडेंट को भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है? आपके मन में जवाब आएगा नहीं तो प्लीज एक बार रजिस्टर पलट के देखिए टैक्स रेट में आपने क्या लिखा है। अगर आपके मन में सवाल आ जाए कि क्या नॉन रेसिडेंट को भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है तो वहां पे देखिए दूसरा जवाब लिखा है, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज।
सो विल ही बी गेटिंग द सेम? यस, बेसिक क्लियर हुआ? सो इसमें से 2,50,000 माइनस करेंगे ब्रो, बैलेंस बचेगा 246,970। एनआर को भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है, सीखने लायक चीज, ठीक है। अच्छा, क्या इस पे टैक्स निकालेंगे ब्रो? इनटू 5%, दैट विल कम टू 1,2,3,4,9, 8.5 आ रहा है, विल मेक इट 9, ठीक है। हाँ, तो रिबेट मिलेगा, क्यों? पर अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, इज इट 494 ब्रो? 12843 ये आपका टैक्स आया, क्या फाइनल टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है? 12840, सो आंसर शुड बी 12840 रादर देन निल, क्योंकि एनआर को रिबेट नहीं मिलता, पर हाँ बेसिक एग्जम्पशन जरूर मिलता है, रिबेट नहीं मिलता। समझ में आया? तो डोंट यू थिंक आपने एग्जाम पॉइंट पे ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। यस, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 5.2 था मालिक, चलो आ जा 5.2। हाँ, ये अबाउट 10 लाख वाले कंसेप्ट पे था ब्रो, ये अबाउट 10 लाख वाले कंसेप्ट पे था। सबसे पहले आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे क्या? 4,7,7,7,8,0,0, डू यू अग्री? ठीक है, इसमें से इनकम अप टू 10 लाख पे टैक्स कितना आने वाला है? 1,12,500, जो आपकी बैलेंस इनकम बची 37,77,800, इस पे टैक्स रेट कुछ समझ नहीं आ रहा, 37,77,800 इंटू 30% 11,33,340 प्लस 1,12,500, तो आपका टैक्स आता है ब्रो 12,45,840। एवरीवन गेटिंग दिस ब्रो? प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ 4% ब्रो, 49834, 1,295,674, ये हो गया टैक्स। दिस टैक्स नीड टू बी राउंडेड ऑफ ब्रो, 1,295,670 इज द आंसर। एवरी वन गेटिंग दिस? होमवर्क किया नहीं किया प्लीज एक बार देख लो, कितना मस्त लगना ना अपना आंसर टीचर का आंसर मैच कर जाए तो, ऐसा लगता भाई कुछ तो भी जम रहा लाइफ में। चलो ये डन है मेरे बच्चा, डन। इतने क्वेश्चन कहाँ होमवर्क दिए मैंने, इतने होमवर्क दिया मैंने, 6.4। वैसे अपन ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से स्पेशल के नाम पे 1, 2 और 3 दिख रहे ब्रो। भाई जी, ओ भाई जी, पहले नॉर्मल लोग आएंगे घर पे या स्पेशल लोग आएंगे? सो लॉटरी के ऊपर 4.80 लाख इंटू 30%, दैट्स कम टू 1,44,000 है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, दैट्स 2 लाख इंटू 15%, दैट्स 30,000। प्लीज हेल्प मी विथ फिगर, अपने कैलकुलेशन खुद चेक करने का। ला 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 ला,
2 लाख × 10%, 2 लाख × 10%, 2 लाख × 20%, 2 लाख × 30%, अरे 40%, अरे 50 लो, अरे 60 लो, अरे गोती लो। एंड आंसर इज, एंड आंसर इज, सर 2 लाख था आपने 1 लाख लिया है, सर 2 लाख था आपने 1 लाख लिया है, मैंने ऐसा क्यों किया? बियॉन्ड 1 लाख, इस पे जो टैक्स लगता है वो बियॉन्ड 1 लाख लगता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर बियॉन्ड 1 लाख, देख लीजिए आपकी बुक में ही लिखा है, पलट के देखो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में सेकंड नंबर पे बियॉन्ड 1 लाख मतलब जो टैक्स लगेगा वो 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगा, दैट टू 10% शेयर्स का है। भाई साहब, भाई साहब इसके आगे जो बचा वो सब नॉर्मल में डाल दूंगा मैं, कोई तकलीफ तुमको? सो ये आया 18 लाख प्लस, 18 लाख है ना वो, प्लस 2 लाख 60,000, आपका नॉर्मल आ रहा है 20 लाख 60,000, इसमें से अप टू 10 लाख पे 1,12,500, जब तक कुछ ना बोला हो, असेसी रेसिडेंट है, असेसी इंडिविजुअल है और बिलो 60 है, याद है? हाँ, बैलेंस कितना बचा? इज इट 10,60,000? इस पे टैक्स रेट 30% है लो, 3,80,000, इज इट 3,18,000 प्लस टोटल 430,500, यहां का टोटल आ रहा था 1,84,000, इसको बी इसको ए दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दो, ₹6,14,500। हाँ तो रिबेट मिलेगा, दे दो ना, प्लीज दे दो ना। भाई जी टैक्स 639,080, आर यू गेटिंग द सेम? वेरी 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 गुड, इफ यू आर गेटिंग द सेम, यस। 112A के अंदर में इस प्रॉब्लम में सीखने लायक क्या था? ये, बाकी सब तुमको ऑलरेडी जम गए थे। इस प्रॉब्लम में सीखने लायक क्या था? ये, अगर 112A दिया है तो उस पर जो टैक्स आएगा वो बियॉन्ड 1 लाख आएगा। किसी नालायक के मन में ये सवाल जरूर आएगा, सर मान लो ये 90,000 ही होता तो नहीं लगाते उस पे, नहीं लगाते उस पे। अच्छा, नहीं पर ये तुमको समझा नहीं है, नहीं नहीं समझा है तुमको, पक्का समझ गया है? पक्का देखो, हाँ 6.5, ठीक है? नहीं नहीं अभी सवाल नहीं, एक मिनट रुक जा, आई लव यू टू, पर एक मिनट रुक, क्योंकि सब बोल रहे हैं इनको समझ गया, पर मैं जान रहा हूं इनको नहीं समझा है, तो मैं अपने आप को समझाना चाह रहा हूं। पीजीबीपी लॉटरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, कैलकुलेट टैक्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब देने वाले को
थम्स अप। जो सबसे पहले सॉल्व करके, कैलकुलेटर पे नहीं, जो सबसे पहले सॉल्व करके देगा, ये गरम गरम थम्स अप आपके लिए। ठंडा तो आइसक्रीम भी होता है, कोल्ड ड्रिंक तो गर्म होना चाहिए। सॉल्व करो, लेके जाओ, मेरे को जो पहला जवाब देगा। थम्स अप क्वेश्चन। सर लाइव में कैसे? फिर तुम जब मिलोगे तब दे दूंगा, लाइव में कभी तो मिलोगे ना मेरे से। या आई विल ट्राई कि जोमैटो से तुम तक पहुंच जाए, ये भी फैसिलिटी है। चलो स्पीड अप ब्रा। यस यस थम्स अप। 13,440, 11,440 जी हाँ, एक जवाब आ चुका है 11,440। सॉल्व किया है ना भाई उसने? 24,440 हाँ, 24,440 आ गया ये। 22,360 जी हाँ, 22,360 21,500 बहुत बढ़िया, 21,500 जी नहीं, एक जवाब आ गया ये 22,300 हाँ, 23,500। कोई नया जवाब है तो बताइए। भाई साहब ऋषभ बंसल कह रहा है जीरो, ऋषभ कह रहा है चिना यू नो, चिराग कह रहा है, वेदांत कह रहा है, सोयाब अली कह रहा है जीरो जीरो, 96,500 शानदार, 96,500 21,500 जवाब आ गया। चलो चलो चलो, मारी छोरियां छोरों से कम है के? एक बच्ची का भी जवाब नहीं आ रहा। 22,360 मोटे मोटे तौर पे जवाब ये, 22,360, 25,500 ओ बच्चियों क्या कर रहे तुम, ओ बच्चियों उधर सहारा डेजर्ट, 11,440 यानी मोटे मोटे तौर पे जवाब यही है ना। ऐशा कह रही है 22,360 सर जीरो ही आएगा। ओके हाँ हाँ, तेरा हो गया जवाब, लिख लिया मैंने, बोल रही थी 24,440 ठीक। 37,440 इज द न्यूएस्ट आंसर। हाँ नया जवाब चाहिए, नया नया नया, जीरो 14040 14040 एकदम यूनिक जवाब जी बच्चे, बोल बोल बोल। हाँ 11,940 जी हाँ, 11,940 एक हाँ, उधर उधर उस कोने से 8,500 ठीक है, मैं आता हूं उधर। चलो डन 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 डन, ओके एंट्री क्लोज। अब अगले क्वेश्चन के लिए, आप तो कह रहे थे सब लोग मिलके कि सबको समझ गया, क्या हुआ बेटा सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट एसीए एफसीए। चलो देखते हैं, अब मैं आपको बताऊं आप अटके किधर। रिबेट मैं बताऊं आप अटके किधर, रिबेट। चलिए समझाता हूं, देख एवरीवन प्लीज लुक, नॉर्मल भी दिख रहा है ब्रो, स्पेशल भी दिख रहा है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A,
10,000 इंटू 15% दैट्स 1,500 इफ माई मैथ्स इज नॉट सो पुअर। लॉन्ग टर्म 112 है, याद रखिएगा 112 में 1,00,000 माइनस करते नहीं, यहां सीधा 20% है। इज इट 8,000 ब्रो? लॉटरी, लॉटरी कितनी है बच्चा? 40,000 पे 30%, इज इट 12,000 ब्रो? तो मेरा स्पेशल निकल गया 21,500, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो जितने लोग अभी ये सोच रहे हैं कि चलो जिसका 21,500 से नीचे है उसका आंसर तो गलत, रुक जाओ, सबर करो, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है जीवन में। नॉर्मल आया 2,90,000, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन माइनस कर दिया मैंने 2,50,000, जो बैलेंस बचा ये बचा 40,000, इस पे टैक्स आएगा 5%, इज इट 2,000? तो क्या मैं इसको 2,000 ए नाम दे दूं? टोटल टैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 23,500। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? यहां किसी को तकलीफ है तो बेसिक में ही गड़बड़े, फिर उसका बी एम डब्ल्यू है, बेसिक में वान दे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं ना भाई साहब? पूरा हिंदुस्तान, एवरीबडी, यस, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? ऑनलाइन मेरे दोस्तों, अब सवाल उठता है क्या रिबेट मिलेगा? मेरी दोस्त कह रही है नहीं मिलेगा। क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? हाउ मेनी पीपल से नो? नहीं मिलेगा, वेरी गुड, अपने आंसर पे फर्म रहो, गलत होगा चलेगा, अबे अपन सीखने के लिए आए। कितनों को लगता है रिबेट नहीं मिलेगा? ओके, इतनों को लगता है रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, चलो हम सब एक बार रिबेट पे चलते हैं, प्लीज गो। व्हेन देयर इज अ डाउट जस्ट शाउट आउट, पलटो पलटो, जाओ लॉ पढ़ो वापस। असेसी कौन है? असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। क्या हम ये अज्यूम कर रहे हैं? यस, ही शुड बी रेसिडेंट। क्या हम ये अज्यूम कर रहे हैं? यस। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5,00,000। क्या हमारी टोटल इनकम 5,00,000 से ऊपर है? टोटल इनकम के आगे पढ़िए क्या लिखा है, नॉर्मल प्लस स्पेशल, सब मिला के 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या रिबेट मिलेगा? जिसको डाउट था क्लियर हो गया, क्या रिबेट मिलना चाहिए? यस, बिल्कुल मिलना चाहिए। माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर तुम थोड़े बड़े बन चुके हो तो मैं सीधा 12,500 माइनस करूं? बोल बेटा, इज इट 11,000? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। इज इट 440? द फाइनल टैक्स इज 11,440। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन लेता ही नहीं बच्चों का कितना डाउट रह जाता लाइफ में। तो तुमने कहा था कि मेरे को ऐसा कुछ लेना है? नहीं, पर मेरे को पता है ये डाउट आगे चल के आएगा, सो डोंट वरी। जो तुमको नहीं भी पता है ना वो भी चीज आ जाएगी, उतना टेंशन मत लो तुम। ये समझ में आया? अब देखिए यहां से और 4 डाउट निकल के आए तुम्हारे मन में, तुम पूछ नहीं रहे हो, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। पूछू क्या? तुम्हारे मन का डाउट डायरेक्ट मेरे जेब से ये निकला। पहला, सर अगर मेरे पास सिर्फ लॉटरी इनकम होती क्या रिबेट मिलता? कितनों के मन में डाउट था ईमानदारी से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो था कि नहीं है मन में डाउट। पहला, अगर मान लो यहां पे सिर्फ 3,80,000 लॉटरी की इनकम होती क्या मुझे रिबेट मिलता? आंसर इज यस, नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों मिला के बोला है। तो अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता,
एक्सेप्ट 112A, उस पर नहीं मिलता क्योंकि। तो 112A को हटा दिया तो जितनी भी बची हुई स्पेशल इनकम है इन सब के ऊपर अगर वो सिंगल इनकम भी रहती तो रिबेट दे देते हम लोग। सो क्या लॉटरी इनकम से भी रिबेट मिलता है? आंसर इज यस। क्लियर है मालिक? अच्छा जी सर, आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए और लिखना चाहिए नॉर्मल प्लस स्पेशल प्लस रिबेट कॉन्सेप्ट, और मस्त ऐसा यू नो मस्त ऐसा फाउंडेशन लगाना चाहिए। कितना मस्त कंसेप्ट है। अब समझा मालिक सभी को? अरे एवरीबॉडी सबको समझा? नहीं 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 समझा तुमको। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो तो मैं मान लूंगा कि हाँ तुमको समझ गया, ठीक है? हाँ, पर पहले कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे। भाई तेरा पहले डाउट था सबसे, यही डाउट था, हो गया क्लियर? मैंने बोला ना मेरे पास है सब है। हाँ बच्चे, LTCG अंडर 112A वाला कि सिर्फ LTCG वाला? वो मतलब उसमें क्या समझाऊं? देखो रिबेट वाला समझाऊं उसमें या टैक्स कैसे निकलते ये समझाऊं? दोनों समझाऊं? देख अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का है उस पर जो टैक्स लगेगा वो 1,00,000 रुपए के बियॉन्ड ही लगेगा। मतलब 1,00,000 रुपए तक उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगाने का, सिंपल। सो बता 90,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है, टैक्स लगाना है? डॉट 1,00,000 है, टैक्स लगाना है? 1,05,000 है, तो टैक्स कितने पे लगाना है? 1,05,000 या 5,000? यहां तक के क्लियर है? ठीक है, अब मान ले तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल, सवाल सुनो, हो सकता है आपका भी ये डाउट फ्यूचर में हो जाए। मान ले तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4,00,000 रुपए है, अब टैक्स कैसे निकलेगा? 4,00,000 में से 1,00,000 माइनस 3,00,000, 3,00,000 पे 10% कितना आएगा? 30,000। 30,000 में से तू बोलेगा क्या रिबेट मिलेगा? नहीं, क्योंकि 112A में से रिबेट मिलता नहीं। तो 30,000 पे डायरेक्ट 4%, दिस इज हाउ टैक्स विल बी कंप्यूटेड। क्लियर है? बट वो आगे आने वाला था, आपका सवाल था सर। 100% ऑफ टैक्स यानी जो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी आई है वो, या 12,500 विच एवर इज लोअर। अब जैसे इस प्रॉब्लम में देख बेटा, ओ दीदी एक मिनट, यहां टैक्स का 100% कितना है? टैक्स कितना निकलेगा था? 23,500। तो 23,500 या 12,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स 100% मतलब जो टैक्स तुम्हारा निकला है वो, या 12,500 विच एवर इज लोअर। पर मेरे को लगता है अब तक तुमको समझा नहीं, बराबर ना? एक क्वेश्चन और करेंगे। तुमने ये कर दिया तो मान सकता हूं कि 6.6, हमने कितने एग्जांपल लिए? 6 ही। ये पॉइंट वाले कोई काउंट नहीं होंगे हमारी लिस्ट में, ठीक है? चलो टैक्स प्लस रिबेट कॉन्सेप्ट, PGBP 3,00,000, then long term capital gain under section 112 60,000, horse race winning 70,000, चलो स्पीड अप, मेरे को सीधा फाइनल आंसर बताओ। हाँ जी आयुष, जब तक आप अपना डाउट पूछें। प्रतीक आपका डाउट, सर अगर टोटल इनकम 2,50,000 से कम है तो क्या होगा? प्रतीक 4.5 मिनट रुक, जवाब आ रहा है तेरे पास। सर 100% एग्जाम होगा उधर लिखा है, किधर लिखा है शोएब 100% एग्जाम? हाँ
हाँ एक मिनट, मैंने ये इसका जवाब 11440 जो था भाई, तू ये एक लेके जाना। रुक जा 2 मिनट रुक। हाँ ओके ये हो गया भाई। तेरा डाउट था ना अभी कुछ, किधर गया? हाँ क्या डाउट था? आंसर बोला तूने? ठीक क्या बोला बेटा? 23920, 23920, जीरो। ओ एक जवाब 23920, एक जवाब जीरो। सर रिबेट में 100% एग्जाम होगा। अरे 100% ऑफ टैक्स लिखा है, 100% एग्जाम नहीं लिखा है शोएब, चेक करना बेटा। 100% ऑफ टैक्स लिखा है। 100% ऑफ टैक्स मतलब जितना टैक्स है, या 12,500, दोनों में से जो लोअर रहा। अब पहले वाले प्रॉब्लम में टैक्स ही था 23,500, तो 23,500 और 12,500 उनमें से जो कम रहा बेटा वो। समझा शोएब? आयुष सर व्हाट इफ द क्वेश्चन ऐड 112 इंस्टेड ऑफ 112, आ जाएगा डोंट वरी। चलो आ गए हम यहां पे दो पार्ट पे, बोलो। हाँ 60,000 का 20%, सो मालिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आया 12,000 रुपए, बोलो। हाँ हॉर्स रेस विनिंग के अंदर में 70,000 इंटू 30% आया 21,000, बोलो। हाँ टोटल बना 33,000, बोलो। हाँ यहाँ टैक्स आया 2,500, बोलो। हाँ तो ए इज 2,500 वेयर एज बी इज 33,000। इज एवरीवन अग्री टू दिस? इज एवरीवन अग्री टू दिस? सो 35,500 इज द ओवरऑल टैक्स लेस, क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? अब रिबेट कितना? 100% ऑफ टैक्स दैट इज 35,500 और 12,500 विच एवर इज, तो दोनों में से लोअर 12,500 है। इज द बैलेंस 23,000? एच ई सी एट द रेट ऑफ 920, सो 23,920 इज द आंसर। समझ में आया कहाँ गलती हुई जीरो वालों से? तुम क्या कर रहे हो, 5 लाख से नीचे तो जीरो कर दे रहे हो। अरे ऐसा नहीं होता ना ब्रो, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि 5 लाख से नीचे जो तू जीरो कर रहा है ना, तू ये अजम्पशन पे कर रहा है कि टैक्स 5% है, जबकि लॉटरी 30% पे टैक्स हो रही है। तेरी बेसिक गलती यहां हो रही है, समझ में आ रही है बात? तो ऑन पेपर लेकर क्या, 5 लाख के नीचे तो डायरेक्ट जीरो नहीं बोल देने का। यहां पे इनकम टैक्स में एवरी कैलकुलेशन इज डिफरेंट। आप देख सकते हो सिर्फ एग्जामिनर के पास कितना बड़ा स्कोप है आपसे कुछ कुछ भी पूछने का, कितने वेरिएशन पॉसिबल है, सिर्फ ये देखो कितने वेरिएशन पॉसिबल है। याद रखें ये सब सिर्फ 50 मार्क का है। बचे हुए प्रशांत, बचे हुए 50 जीएसटी यशवंत भाऊ वो हैंडल करते बैठे, उनके 12-13 सब्जेक्ट अलग, उनके कैलकुलेशन अलग। क्लियर है मालिक? चलो सर रिबेट का कैसे डिसाइड हुआ? केशव का मेरे भाई का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए रिबेट क्यों कैसे डिसाइड हुआ? रिबेट की कंडीशन बोलिए एवरीवन, असेसी शुड बी, ही शुड बी टोटल इनकम। एक मिनट और बेसिक में जाते हैं। टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड, दैट इज सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आ गए, अदर सोर्सेस में कैजुअल विनिंग भी आ गया। तो टोटल इनकम में ये सब आते ही है। कलल का यस सर, कैन यू रिपीट द लॉटरी एंड रिबेट यू टोल्ड? बेटा लॉटरी अगर 4 लाख रुपए है तो 4 लाख का 30%, 1,20,000 रुपए टैक्स, माइनस 12,500 रिबेट, बैलेंस इज टैक्स प्लस एचईसी। डन ओके। हाँ जी
जितना टैक्स 112 ए वाला है उसको बाजू कर देना, मतलब हम मान ले इसी प्रॉब्लम में अगर 112 ए हो जाता, सपोज करके चल इसी प्रॉब्लम में 112 ए हो जाता, तो ये जो टैक्स निकला है ना इसमें से 112 ए का टैक्स मैं बाजू कर देता, जितना बचता वो होता 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, बस उतना ही चेंज होता और कुछ नहीं होता, उस पर भी आएगा। इज दिस डन? हाँ चलो एक बार वापस से पीछे। सर एक मिनट, हम हैं कहाँ सेक्शन फोर में? जी सर, रिबेट 112A में क्यों नहीं लगता? देर इज अ चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 कॉल्ड एज कैपिटल गेन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में मैंने आपको यह भी नहीं सिखाया कि कैपिटल गेन निकलता कैसे है। फर्स्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी सर कैपिटल गेन कैसे निकाला, पर हम अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम उसका टैक्स एंगल डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अभी पहले तो पूरी इनकम कंप्यूट करने जाना है ना, तो आएगा फिर मैं वापस यहां लेके आऊंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना 13वें चैप्टर से भी तुम वापस चैप्टर नंबर 1 में आओगे, इतना इंटरलिंकिंग करूंगा, टेंशन मत लो। हाँ चलो यार, इतनी बातें हो ही रही है तो चलो एक क्वेश्चन 112 के साथ सॉल्व करेंगे। अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो इसलिए, हाँ नहीं तो मैं नहीं करवाता था। एल टी सी जी अंडर सेक्शन 112A एंड रिबेट कॉन्सेप्ट, वो भी तुम फोर्स कर रहे हो इसलिए, हाँ नहीं तो मैं करवाता नहीं एक्स्ट्रा मेहनत, भले कोई कितना भी बदनाम करे विजय सर एक्स्ट्रा लेते। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, डन। चलो ब्रो, हैशटैग ब्रो, आर यू रेडी? लॉन्ग टर्म कैप गेन 112A, सपोज कर लो यही है आपका 6 लाख, ने 4,98,000, ट्राई करोगे? चलो करो, गलत होगा चलेगा, इस क्लास में गलती अलाउड है। सॉल्व तो क्या कर रहे, तू कैलकुलेटर का यूज ज्यादा करता है, पेपर पे सॉल्व कर, एग्जामिनर को वहां पे ओरल आंसर नहीं देना है। सानिका सर, एसईसी का परसेंटेज सेम ही रहते हैं क्या? वाह बेटा क्या सवाल पूछा है तुमने, बेटा सेम ही रहते हैं, एचईसी के रेट नहीं बदलते। हाँ जी बच्चे, 41392 एक जवाब आ रहा है भाई साहब मेरे पास, तो एक आ रहा है 41392, एक आ रहा है 41390 7696। तेरा सर फोड़ना है मैंने, वापस 4 बार सोच, तूने क्या जवाब दिया? 7696, राउंड ऑफ करना भूल गई ना, है ना, चाटा मार अपने आपको छोटा सा। चल बच्चे, हाँ 28390, वाओ 28390 एवरीवन, वाओ वाओ 39800, वाह शानदार बेटे बेटे, मौज कर दी, एक नंबर बोला। 21390 ना, 41390 हैशटैग ब्रो, 41390 27390 लगाओ साले को अटेम्प्ट, 300 ना। अरे ऐसे चिल्ला के ऐसे फेंक के क्यों मार रहे हो रे, आराम से करो ना, मैं इधर ही है, कितना आराम से जा रहा मैं। पर नहीं, अपने को जवाब आ गया ना तलवार। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज हेल्प करो ना मेरी, प्लीज हेल्प करो ना मेरी। अब आप क्या करने जा रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूं, आप एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ इसको पढ़ने जा रहे हैं, सुनो सुनो, आप एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप इसको एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ने जा रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना, अभी हम 2 मिनट बाद ही इसे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा मैं आपको बताता,
इसमें से डायरेक्ट 1 लाख माइनस, फिर उस पर 10% टैक्स, रिबेट दिए बिना 4% HEC, बराबर। दिस शुड हैव बीन द राइट आंसर, शुड हैव बीन द राइट आंसर। वापस से सुनो, पहले तो शांत हो जाओ, एवरीबडी कीप क्वाइट। ये लॉ अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा शांति रखो, और आपके सॉल्यूशन सिर्फ मैं दे सकता, आपके बाजू वाला नहीं, बिलीव मी। सुनो, आपने इसमें क्या जवाब निकाला होगा, लिखना नहीं, पेन ड्रॉप और सिर्फ सामने देखो, आपने इसमें क्या जवाब निकाला हो सकता है, लिखना मत। इसमें से आपने सबसे पहले 1 लाख रुपए बाजू कर दिया, बराबर, बचा 398, एक जवाब। हाँ, इस पे 10%, 39,800, इस पे HEC एट द रेट ऑफ 4%, बराबर बराबर। इस पे जो भी आपका 398 इंटू 10% इंटू 4% 1592, और ऐसे कुछ लोगों का आया 41392 या 41390, ये जवाब ऐसे आया है। ये हुआ एक, ठीक, ये हुआ एक प्रोबेबल तरीका। दूसरा प्रोबेबल तरीका, इसमें से कुछ लोगों ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी माइनस करा, तीसरा प्रोबेबल तरीका, इसके ऊपर जैसे टैक्स निकालता है, नॉर्मल टैक्स निकाल दिया, भूल ही गए 112 ए है, बराबर, भूल ही गए 112 ए है। समझ में आया क्या गलती हो सकती है? ये आपकी प्रोबेबल गलतियां हो सकती है, लॉजिकली इसका जवाब ये आना चाहिए। बट यहां पे एक और एक्सेप्शन है, जरा बात समझिए, एक डिस्कशन सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या लॉ वैसा बनना चाहिए था या नहीं, ठीक है? एक डिस्कशन सुनिए, मैं इसी से आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर भी लेके जा रहा हूं, ध्यान से समझना। होना क्या चाहिए था, अंडरस्टैंड। सपोज मेरी इनकम ही है, स्पेशल इनकम ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर लेके जा रहा हूं, आर यू विथ मी? एक लेवल आप, मान लो मेरी सिर्फ इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, मान लो मेरी सिर्फ इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए ही है, मान लो मेरी सिर्फ ये इनकम है, कोई अदर इनकम नहीं है, बराबर है। अब जैसे 112 ए अगर हुआ तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन, इसमें से 1 लाख रुपए के बियॉन्ड ही टैक्स लगता है, टू विच वी ऑल अग्री, इसमें किसी को शक नहीं। अब मैं टैक्स पेयर आया, एओ खड़ी है, मैं टैक्स पेयर आया, बोला हेलो मैम, हाय, बताइए। बोला मैम देखिए, आप 1 लाख के बियॉन्ड टैक्स लगाएंगी, दैट्स नॉट माय इशू, आई एम ओके विद इट, बट मैम आई ऑल्सो रिक्वायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या हो रहा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट हम आपको कैसे दे सकते हैं, आप तो स्पेशल इनकम में लेके आए हैं। पर मैडम एक बात समझिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो मेरा हक है ना मैम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरा हक है कि नहीं है? बेसिक एग्जाम आपने कहा एक इंडिविजुअल जो 60 से कम है उसको 2.5 लाख रुपए तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब 2.5 लाख तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना मैम, मेरे को आप वो दीजिए ना, वो आप मेरे से कैसे छीन सकते हो? नहीं 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 नहीं, बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो तो तब है ना जब आपकी टोटल इनकम मतलब अदर इनकम भी है, आप तो सिर्फ एक ही इनकम लेके आए हो। मैम मैं 1 लाऊं या 2 लाऊं, दैट्स अ माय प्रॉब्लम ना, मेरे को 1 लाना है या 2 लाना है, पर 2.5 लाख आपने देना चाहिए, ये तो मेरा हक है, सरकार ने मेरे को दिया है कि 2.5 लाख तक तुझे कोई टैक्स नहीं देना। आई एम अ टैक्स मैन, मुझे टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आप गलती कर रहे हैं, नहीं माफ कीजिएगा, आप गलत कर रही हैं, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, बट अंडरस्टैंड, हम आपको 1 लाख तक टैक्स नहीं ले रहे ना मैम। मान लो मेरी PGBP इनकम 3 लाख होती, आप मेरे को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देते? हाँ देते, तो मेरे पास एक इनकम है, एक में से दो, मेरा हक तो मत छीनो, 2.5 लाख तक मुझसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मैंने कहा, आपने कहा? नहीं मैम, इधर सुनो, 2.5 लाख तक, सुनो ना, इधर फोकस, ये आपने लिखा ना 2.5 लाख तक के टैक्स नहीं लेंगे, तो आप ऐसे पलट नहीं सकती ना, हुँ?
नहीं, एक एक मिनट, अंडरस्टैंड। ये तो तब जब आपका अदर इनकम भी है। नहीं चलिए मान लीजिए मेरी अदर इनकम है नहीं, तो आप क्या मुझे मेरा हक नहीं देंगे? ये तो गलत हुआ ना। देखिए आप बैठिए सुनिए, ढाई लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए था, मानते हो या नहीं? थोड़ा उधर सर, हाँ, ढाई लाख तक बेसिक एग्जम्पशन मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था कि नहीं? आप मुझे बताओ, अरे मिलना चाहिए था कि नहीं? आप किसी से भी पूछ लो। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब आप पे फोकस कर रहे हैं, मेरे पे नहीं। प्रॉब्लम ये है इस देश की, समस्या पे नहीं, समाधान पे तकलीफ है इनको। समस्या पे फोकस करो, वापस से बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कितना भी बुलाए, पहले कंसेप्ट पे फोकस करो। बात समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा उधर सरकना है। अब बात समझ, मुझे ढाई लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए कि नहीं, तू बता? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही है फिर? अरे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए ना यार मेरे को। सरकार ने मुझसे क्या कहा था? सरकार ने मुझसे क्या कहा था? ढाई लाख तक टैक्स नहीं लेंगे। जनरली ये वर्ड कहीं सुना सुना सा लग रहा है, किसी प्रॉब्लम है? जनरली, अरे जनरली, जनरली स्पेशल इनकम में से बेसिक एग्जम्पशन माइनस नहीं करते। जनरली हम माइनस नहीं करते, पर ये एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है ना, मेरे पास कोई और है ही नहीं। अरे बात समझना, मेरे पास कोई और इनकम है ही नहीं। जनरली अगर मेरे पास कोई अदर इनकम होती, भाई और बहनों, मैं पहले अदर में से बेसिक एग्जम्पशन माइनस करता। अगर मेरे पास कोई अदर इनकम होती मेरे भाई और बहनों, मैं अदर में से माइनस करता। पर अब अगर मेरे पास कोई है नहीं, तो एडजस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई और इनकम है मेरे पास, तो एडजस्ट तो इसी में से करना पड़ेगा, इनकम में से। पर मैं तो अपना हक लेके रहूंगा। हक मैं तो अपना हक लेके रहूंगा। बात समझिए। अरे पर दिस इज नॉट पॉसिबल ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो हम अदर इनकम से माइनस करते हैं। बे जनरली हम उसमें से माइनस करते हैं, पर अगर वो है ही नहीं, तो जो है उससे काम चलाना पड़ेगा ना। बात समझना, एज अ टैक्स पेयर मैं कहीं गलत हूं? जो मिल रहा उस, देख अगर बिजनेस या प्रोफेशन इनकम होता, मैं उससे एडजस्ट करता। मैंने तेरे को इसके पहले प्रॉब्लम में डिस्टर्ब किया कभी? नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अदर इनकम अवेलेबल थी। मेरे पास अदर इनकम अवेलेबल थी। अदर इनकम मतलब पीजीबीपी, वो जो जनरली वाला क्वेश्चन है। चलो उस पर इधर आओ, इधर देखो। मेरा पीजीबीपी 5,60,000 था। जब मेरा अदर इनकम खाली पड़ा है, मैं मेरे रिलेटिव को तकलीफ नहीं देता। पर अगर कोई है ही नहीं, सिर्फ रिलेटिव ही है, तो जो तकलीफ लेनी है वो तो उसी को लेनी है ना। मैं मेरा हक थोड़ी छोड़ेगा। यहां देखो, अदर इनकम थी एडजस्ट करने के लिए। इसके नीचे देखो, अदर इनकम थी एडजस्ट करने के लिए। उसके नीचे देखो, अदर इनकम थी एडजस्ट करने के लिए। लेकिन ये तो यूनिक प्रॉब्लम है भाई, ये तो यूनिक प्रॉब्लम है। मेरे पास एक ही इनकम है। जनरली अगर अदर इनकम अवेलेबल है, तो हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहां से लेके आते हैं? अदर में से एडजस्ट करते हैं। पर अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें स्पेशल से ही एडजस्ट करना होगा। रजिस्टर में जाइए, नोट नंबर 5। स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट इफ असेसी, राइट डाउन,
इफ असेसी इज रेसिडेंट, इफ असेसी इज रेसिडेंट, इफ असेसी इज रेसिडेंट, रेसिडेंट के नीचे दो अंडरलाइन करो, एंड हैज स्पेशल इनकम लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A नॉट कैजुअल और ऑनलाइन विनिंग एंड असेसी कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम सच अ स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट इफ असेसी इज रेसिडेंट हैज स्पेशल इनकम अदर देन कैजुअल विनिंग कैनॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट सर आपको मैम ने ऐसे देख लिया तो मैम ने मुझे बहुत बार ऐसे वैसे देखा है उसको ऐसे देखने का जरूरत नहीं है देखो मेरी बात समझो मैं ना बहुत बहुत पीछे वाला बैक बेंचर हूँ बैक बेंचर के किस्से नहीं कांड होते हैं ठीक है मैं बैक बेंचर ही रहा हूँ ऐसा कोई भी चीज मत बोलो कि जवाब में ऐसा कुछ रोस्ट आए सुनो एक मिनट हम सब पढ़ेंगे ठीक है इफ असेसी मेरे साथ धीरे से पढ़ो ना इफ असेसी इज रेसिडेंट मतलब ये एडजस्टमेंट एनआर के लिए नहीं है वाह 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 वा, ये एडजस्टमेंट एनआर के लिए नहीं है इफ असेसी इज रेसिडेंट मतलब एनआर के लिए ये एडजस्टमेंट नहीं होती एनआर के लिए ये एडजस्टमेंट नहीं होती यस इफ असेसी इज रेसिडेंट अगर वो सिर्फ रेसिडेंट है एंड हैज स्पेशल इनकम और उसके पास स्पेशल इनकम है बोलो मेरे साथ इफ असेसी इज रेसिडेंट बोलो मेरे साथ सब लोग इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में दोनों आ गए शॉर्ट टर्म में एक आ गया नॉट कैजुअल विनिंग वाह बोलो वाह कैजुअल विनिंग नहीं बोला है मतलब ये एडजस्टमेंट कैजुअल इनकम से नहीं हो सकती ये एडजस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं ये कैजुअल से नहीं हो सकती पूछो ना क्यों
पूछो ना क्यों। आपने ध्यान दिया, हमने हर जगह पे वर्ड लिखा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। कैजुअल इनकम के केस में व्हाट इज टैक्सेबल इज विनिंग, व्हाट इज टैक्सेबल इज विनिंग। वहां इनकम टैक्सेबल नहीं है, अकेले वो ऐसी इनकम है पूरे इनकम टैक्स में जहां विनिंग टैक्सेबल है, इनकम नहीं। अब आप ये पूछेंगे सर विनिंग और इनकम दोनों में क्या फर्क है, पूछो ना क्या फर्क है। हाँ हम तुम्हें बताएंगे क्या फर्क है। सपोज विजय गया, 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी जिसपे इनाम 100 रुपए आया, बराबर। व्हाट इज विनिंग 100, व्हाट इज इनकम 90। पर लॉटरी या किसी भी तरह का गेम शो ऐसा एक्टिविटी है जहां विनिंग टैक्सेबल है, इनकम नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि ऐसी इनकम में से खर्चों का डिडक्शन सरकार देती नहीं है। मतलब टेक्निकली आपने जितना अर्न किया पूरा टैक्सेबल है। अब जब ये 100% टैक्सेबल है तो इसमें से कोई अदर एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। चलो फिर से, इफ असेसी इज रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट ये एडजस्टमेंट कर सकता नहीं, एंड हैज स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, नॉट कैजुअल एंड विनिंग्स, एंड असेसी कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब ये एडजस्टमेंट आएगा ही तभी जब आपकी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन खत्म नहीं कर पा रही। सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। समझ में आ रही बात? ऐसे कैसे समझा, वापस से पढ़ेंगे, पढ़ो वापस। इफ असेसी इज रेसिडेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर असेसी रेसिडेंट है एंड इसके पास स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉटरी भी स्पेशल इनकम है लेकिन वो इस एडजस्टमेंट में आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि लॉ कहता है वो इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल है विनिंग पे, इनकम पे नहीं विनिंग पे। बची हुई जो स्पेशल इनकम है, और अगर देख रहा है कि वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है आपकी अदर इनकम, तो ऐसी स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट, विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। समझ में आ रही है बात? अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। यहां पर लिखिए एग्जाम्पल नंबर 7, यहां पर लिखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। ये इधर सुनो ना, ये इधर इसे ना सिर्फ एग्जाम्पल नंबर चेंज करो, इसी को इस एग्जाम्पल नंबर 7 बना लो। एग्जाम्पल नंबर 7 यहां लिखो स्पेशल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, कुछ लिखा नहीं है, इज असेसी इंडिविजुअल? आवाज, इज असेसी इंडिविजुअल? इज ही रेसिडेंट? पक्की बात? क्या कोई अदर इनकम है बट स्पेशल इनकम है? कैन स्पेशल इनकम बी एडजस्टेड? यस। अब यहां पे होगा क्या, व्हाट वाज टोटल इनकम? टोटल इनकम 4,98,000। 4,98,000 में से पहले ऐसी अमाउंट जो नॉट टैक्सेबल है उसको बाजू कर दो, दैट इज 1,00,000। जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आएगा वो होगा 3,98,000। ये तो क्लियर है, क्योंकि लॉ ने तो पहले ही बोला था 1,00,000 बाजू कर देना, इस केस में मैंने वो 1,00,000 बाजू कर दिए। अब मुझे बताइए क्या वो स्पेशल एडजस्टमेंट यहां एडजस्ट हो सकती है क्या? पहले सोच के बताओ, इज असेसी रेसिडेंट? यस और नो? इज असेसी रेसिडेंट? यस। इज ही हैज स्पेशल इनकम? बट क्या उसकी
अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन एब्जॉर्ब कर पा रही है? तो आपको नहीं लगता टैक्स पेयर विजय एओ के पास जाएगा, भाई 2.5 लाख का मेरा हक है, वो तो तेको देना ही पड़ेगा। समझ में आया वो ड्रामा जो अपन ने किया था? 2.5 लाख तेको देना पड़ेगा या सरकार ने मेरे को हक दिया है? अब समझा सरकार ने हक कहाँ दिया है, सरकार ने बाकायदा हक लिख के दिया है। अब बताइए क्या इसमें से मैं बेसिक एग्जम्पशन माइनस करूंगा? क्या कहेंगे हम इसे? स्पेशल एडजस्टमेंट। देख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आया, मतलब पहले 1 लाख सीधे बाजू कर देने के, पहले 1 लाख सीधे बाजू कर देने के। अब बता बैलेंस कितना बचा? इज इट 1,48,000? क्या सीखने को मिला? पहला, ये जो टैक्सेबल नहीं है वो हटाओ, दूसरा ये भी हटाओ। अब बता लॉ वापस पढ़ते हैं। इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम एंड अदर इनकम कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। व्हाट इज द स्पेशल रेट? एवरीबॉडी सबको समझ में आया? ऐसे कैसे समझा? बोलो नहीं समझा? अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? नहीं। क्या रिबेट मिलेगा? अरे मिलेगा ना, टोटल इनकम लेस देन 5 लाख 112A में से रिबेट मिलता नहीं। एडवांस प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम 3 एडजस्टमेंट। अब बैलेंस कितना बचा? बोल मेरा बच्चा, 14,800। क्या अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%, इज इट 592 ब्रो? 15,392 टैक्स आएगा 15,390। मस्त प्रॉब्लम था कि नहीं? एक किच प्रॉब्लम हवा टाइट, पर टेंशन मत लो, अभी 7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो समझ जाएगा क्या था एडजस्टमेंट। और तुम बोलोगे साला 15 मिनट पहले क्या स्ट्रेस ले रहा था मैं। चलो मैं क्या बोलता हूँ, फिर से एक बार इसको देखते पूरा। देखो आपको तो समझ गया, पर मेरा प्रॉब्लम है ना, तो मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाऊँ मैं अपने आप को? लिख लिया आपने सब? धैर्य आ गया वापस? बेटा ये कितने हैं? अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे को पूछेंगे, सर ये फिगर इतनी रही तो क्या होगा, उतना था तो क्या होगा? पहले जहां है वहां का फिगर कर ले, बाकी तेको ऑटोमेटिक सब समझ ही जाएगा। ठीक है, अभी तू अलग अलग फिगर दिमाग में मत ला, क्योंकि इनकम टैक्स में तू जितनी फिगर बदलेगा आंसर उतने चेंज हो जाएंगे, ये बात फिक्स है। समझ में ये बात? तो पहले इधर फोकस कर, राइट? आपके मन का पहला सवाल पहले क्लियर कर दूं। सर 1 लाख और 2.5 लाख माइनस करने के बाद बैलेंस कुछ बचा ही नहीं तो टैक्स 0। ये डाउट क्लियर हो गया आधे से ज्यादा पब्लिक का? अब आओ इधर फोकस करते हैं। हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A लिया, हमने जैसे ही लिया क्योंकि मन में सवाल था 112A में से रिबेट नहीं मिलता, मैंने कहा रिबेट ही क्यों, चलो तुम्हें स्पेशल एडजस्टमेंट भी समझा दें। हमने लिया कि व्यक्ति के पास सिर्फ एक इनकम है, कोई और इनकम है ही ना, 99.99% ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अदर इनकम होगी ही, और कुछ नहीं तो बैंक इंटरेस्ट तो होगा ही। तो 99.9% ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है कि इसके पास सिर्फ एक ही इनकम है और कोई इनकम ही नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। पर सवाल तो सवाल है और इज्जत देनी पड़ेगी। यस, तो हमने देखा कि 4,98,000 इनकम है। अब क्योंकि 112A है तो 1 लाख तो पहले ही बाजू कर दो, इस पे तो हम डिस्कशन ही नहीं करते। अच्छा एक एक सवाल का जवाब देते जाओ। अगर ये सिर्फ 98,000 होती, इतना मगजमारी था क्या हमारे जीवन में? हम कुछ नहीं करते, सीधा टैक्स 0 लिख के आगे बढ़ जाते लाइफ में। आहो अरे आहो अरे आहो। ठीक है, सो 498 था, पहले 1 लाख बाजू कर दिया। अब मेरे मन में सवाल आया कि क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस होता है? जनरली अगर अदर इनकम रहती हम उसमें से एडजस्ट करते या पार्टली उसमें से एडजस्ट करते। जिसके मन में सवाल था पार्टली समझ में आ गया क्या?
अगर पीजीबीपी 2 लाख होता तो इधर से सिर्फ 50,000 एडजस्ट होता। समझ में आई बात? या तो पूरा एडजस्ट होता या तो पार्टली एडजस्ट होता, पर 2.5 लाख पूरा मिलता। समझ में आई बात? फिर हमने सोचा क्या ये 2.5 लाख एडजस्ट करना है क्या? तो हमने बोला यार अभी तक तो ऐसा कुछ पड़ा नहीं। फिर विजू सर ने याद दिलाया कि 2 दिन पहले विजू सर ने बोला था जन रैली, और रुको मैं आगे बताऊंगा इसको। फिर हम आगे आए, हमने लॉ पढ़ा। लॉ क्या है? एक स्पेशल एडजस्टमेंट 5वें नंबर की एंट्री। मैंने कहा था 6 नोट है। क्या कहा था? 6 नोट है। तो बेटा विक्रांत, अभी मैंने तुम्हें समझाया कि तुम ये जितनी फिगर बदल रहे हो उसको होल्ड कर लो। समझ में आ रही बात? होल्ड कर लो, सब आएगा। इफ असेसी इज रेसिडेंट, बोलो भाई, इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम एंड हैज। लेकिन ये एडजस्टमेंट किसके साथ नहीं होती? कैजुअल के साथ नहीं होती। बाकी दो स्पेशल इनकम जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उसके साथ ये होती है। अच्छा जी सर, तो आप पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ड्रॉप करेंगे और फिर बैलेंस को ही आप क्या करेंगे? टैक्स के हवाले करेंगे। तो हम यहां आए वापस, हमने देखा 498 में से 1 लाख तो आप पहली बाजू कर दो, 4 लाख में से 1 लाख तो आप क्या कर दो? पहली बाजू कर दो। अब जो बची थी बताइए, उस स्पेशल एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या 2.5 लाख मुझे माइनस करने चाहिए? हाँ या हाँ? मैंने 2.5 लाख माइनस किए। जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को मैंने 10% पे टैक्स किया, दैट इज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। मेरा टैक्स आया 14,800, क्योंकि मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या मैंने माइनस करना चाहिए रिबेट? तब जाके मुझे याद आया 112A में से रिबेट मिलता नहीं, तो इसमें से रिबेट हटाया मैंने। फिर HEC ऐड किया और फाइनल टैक्स निकाला। फाइनल टैक्स को मैंने क्या कर दिया बेटा? राउंड ऑफ। एक ही ऐसा प्रॉब्लम जिसमें राउंड ऑफ भी है, HEC भी है, टैक्स भी है, स्पेशल टैक्स भी है, रिबेट भी है, सब एक साथ, और स्पेशल एडजस्टमेंट भी है। एक ही प्रॉब्लम 6 एडजस्टमेंट वाला। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका दोस्त जो इस क्लास में नहीं है उसको ये दे के देखो, मैं चैलेंज मारता हूँ, उसने अब तक तो स्पेशल रेट भी नहीं पढ़ाऊंगा क्या है। चैलेंज बोलता हूँ मैं, उसने स्पेशल रेट ही नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रॉब्लम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। पर मुझे अभी तक समझा नहीं, क्यों ना एक और प्रॉब्लम लिया जाए। होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है होल्ड ऑन करो। जैसे जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, एक 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 डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ लॉटरी इनकम है 4,80,000। प्लीज मेरे लिए टैक्स निकालिए। नो स्पेशल एडजस्टमेंट टू लॉटरी ऑब्लिक कैजुअल। मेरे को जल्दी जवाब नहीं चाहिए। HEC नहीं लगेगा क्या? लगाया ना बेटा HEC। विक्रांत आपका जो क्वेश्चन है उसको होल्ड कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है मैंने रखा है, टेंशन मत लो, मैं चालू पड़ा हूं, खत्म नहीं। मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं पूना में ही हूं। सर थोड़े प्रॉब्लम मॉड्यूल के भी करवाओ। वाफ लोग की, पहले मेरा बुक तो पलट के देखो, अब तक तो मैंने चालू ही नहीं किया। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन नहीं। इलस्ट्रेशन तो चालू करने बाकी है बेटा, मैंने तो बुक को हाथ भी नहीं लगाई अभी। जो तुमने पढ़ा है तुम अपना लगाओ। बाजू वाला गया तेल लेने, तू अपना समझ। भाई साहब चालू करूं? देखो हाँ, तुम कह रहे हो इसलिए। भाई साहब मेरे को नहीं जम रहा, प्लीज हेल्प करो ना, मेरे को नहीं जम रहा, प्लीज हेल्प करो ना। पहले क्या करूं? सुनो ना, वो 1 लाख माइनस करूं ना मैं पहले? क्यों? वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, सॉरी 112A के लिए ही है और कहीं नहीं। ये सॉर्टेड है। दूसरी चीज, अब सवाल एक है, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन माइनस करूं प्लीज? अरे क्यों, वो तो मेरा हक है ना। क्या इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करना है? नहीं।
स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट कैजुअल ऑब्लिक अदर विनिंग में, अदर विनिंग में बोलो बेटा नहीं होती, तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 4,80,000। बताइए इस पे टैक्स रेट बदल जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं। इज इट 1,44,000 ब्रो? क्या रिबेट मिलेगा? क्यों मिलेगा सर? नहीं मिलेगा ना। रिबेट हर तरह की इनकम से मिलता है, नॉर्मल प्लस स्पेशल। 12,500 माइनस करूं ब्रो? रिबेट हर तरह की इनकम से मिलता है, स्पेशल एडजस्टमेंट कैजुअल में नहीं होती, पर रिबेट तो मिलता है भाई साहब। भाई साहब टैक्स लायबिलिटी बोलो। भाई साहब 131,500, कोई तकलीफ से के थे बोलो तो एचईसी ऐड करूं? थे बोल रहे हो? ओ भाई साहब, भाई साहब 526 जो आ रहे हो है ताको टैक्स आयो 136,760। सुन रहे हो कहीं? कोई तकलीफ है तो बोलो भाई साहब, पक्की बात, कंसेप्ट थोड़ा सो क्लियर हुए हो कहीं? होल्ड करो और बताऊं, कंसेप्ट क्लियर हुए हो? जिसको नहीं समझा कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई बात, अपने अंदर बहुत सारे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है, बहुत लैंग्वेज आती है अपने को, बस इधर उधर थोड़ा सा हो जाता हूँ, संभाल लेना होता। यस, तो हमने क्या सीखा बेटा? ये जो स्पेशल एडजस्टमेंट है ये अदर इनकम में तो होती है, लॉटरी में होती नहीं। और रही बात रिबेट की, रिबेट 112 में नहीं मिलता पर बाकी सब में मिलता है। यस, रिबेट हर तरीके की इनकम से मिलता है, लिखो यहां एक्सेप्ट 112A। मतलब तुरंत जब सेल्फ स्टडी करेगा मेरा बच्चा उसको वही समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेटा सबको समझा? हाउ डेयर यू, बोलो नहीं समझा। इधर देखो, पहले 4,80,000 था इनकम, इसमें से बेसिक माइनस नहीं किया। सर क्यों माइनस नहीं किए? आ बेटा फिर से लॉ पढ़ाऊं तुझे, किस पे नहीं मिलता? कैजुअल एंड ऑनलाइन विनिंग्स पे नहीं आई है, क्योंकि वहां क्या टैक्सेबल है? विनिंग, इनकम टैक्सेबल ही नहीं है वहां पे। फिर आया इसमें से टैक्स स्पेशल रेट पे लगाया, लेकिन रिबेट हमने लिया, रिबेट सिर्फ 112A से नहीं मिलता बाकी सबसे रिबेट मिलता है, रिबेट सिर्फ 112A से नहीं मिलता बाकी सबसे रिबेट मिलता है। समझ में आई बात? तो आपका फाइनल आंसर टैक्स निकला 136,760 आफ्टर राउंड ऑफ। पक्का समझ में आया मालिक? हाउ डेयर यू, बोलो नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 7.3। बैलेंस इनकम टुवर्ड्स स्पेशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस इनकम टुवर्ड स्पेशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। सर मेरे को लगा था रिबेट नहीं मिलेगी पर मिलेगी, डाउट क्लियर। डोंट वरी, होगा, सब होगा। सर मान लो, नहीं मान लो माय पीजीबीपी इज 2,00,000, ठीक है, माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज 2,00,000 एंड माय लॉटरी इनकम इज लेट्स से 50,000, माय टोटल कम्स टू 4,50,000। ट्राई करोगे? ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं? कर रहे हो? ट्राई करो, गलत होगा चलेगा।
बताओ। वो चालू है बराबर ही नहीं, पूरा सिस्टम जाम करने का है। अब तक 3-4 पेज भरे होंगे इनकम टैक्स में। सुनो, रजिस्टर को पेज नंबर आज लिख के आना मैंडेटरी है। हर एक जन डीटी के हर पेज पे रजिस्टर पे पेज नंबर चाहिए, मैंडेटरी है। कब? आज? अरे गलतों का मालिक बिल्कुल चलेगा। दो आंसर आए, जवाब तो एक ही आएगा। 33,880, 7,800, 7,800। बोल बच्चे, 83,800, 33,800, ओके 33,800। जी बच्चे, 46,800, 5,200। बोला भाई, हाँ 42,500, ओके 33,800, 2,500, 43,800, हाँ 44,200, ठीक 34,200, 44,200, 44,200, ओके लेट्स स्टार्ट। सिग्ना कह रही है सर आप ही कर दो सर, मैं तो कर ही दूंगा बेटा, गलतियां तो करो, सीखेंगे कैसे रे। पेज वेस्ट होना ज्यादा बेटर है अटेम्प्ट वेस्ट होने से। अच्छा सुन बेटे, सुनना, होल्ड कर, होल्ड कर, जहां तू जिधर है जैसा है होल्ड कर ले, ठीक है होल्ड कर ले। मालिक मालिक मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दोनों है हमारे पास? नहीं समझा होगा, तीसरी बार समझा रहा हूं, वापस सुन। क्या नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों इनकम है हमारे पास? क्या असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब कर पा रहा है? क्या असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब कर पा रहा है? नहीं, ठीक है। लिखना मत, सिर्फ सुनना और देखते रहना। असेसी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल इनकम 2 लाख, ठीक है ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए, दो अदर इनकम है, लॉटरी और लॉन्ग टर्म, क्या एडजस्ट हो सकता है? लॉटरी एडजस्ट हो सकती? कितनी एडजस्ट करूं? 50,000। अब आप में से कई लोगों के मन में आया होगा एक टैक्स प्लानिंग, मैं वो समझाता हूं। सर बेसिक एग्जम्पशन ही माइनस करना है तो ओवरऑल टैक्स रिड्यूस करने के लिए सीधा पहले ये माइनस कर दो, एक मन में ये आना चाहिए आपके, एक मन में आना चाहिए कि सर बेसिक एग्जम्पशन ही एब्जॉर्ब करना है ना, तो कहीं से भी करवा दो तो पहले लॉन्ग टर्म से करवा दो, क्योंकि इस पे तो 20% टैक्स है। आपके मन में आना चाहिए, तब जाके तो आप बनोगे प्रोफेशनल ब्रो। आपने क्या कहा सर, बेसिक तो कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है। हमने पहले ही वर्ड लिखा था जनरली, स्पेशल एडजस्टमेंट एप्लीकेबल ही तब है जब आप अदर इनकम से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो तुम्हारे मन में अगर एक पॉइंट के लिए आ भी रहा होगा कि बेसिक में लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर देता हूं, नहीं होगा, पहले अदर इनकम ही होगा। स्पेशल एडजस्टमेंट एप्लीकेबल ही तब है व्हेन यू कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब लॉन्ग टर्म से मेरे को पूरा चाहिए या 50,000 में काम हो जाएगा? तो मेरी यहां पे टोटल बन जाती है 2,50,000, जिस पे मेरा टैक्स आ जाता है 0। डू यू अग्री? बिकॉज ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा? इज इट 1,50,000? 1,50,000 पे कितना परसेंट बेटा?
इज इट 30,000 ब्रो? बताइए, लॉटरी तो अपनी चाल चल ही रहा है। इज इट 15,000? इज टोटल 45,000? आर यू गेटिंग द सेम? रुक जा, क्या मेरा टोटल टैक्स आएगा 45,000 ए प्लस बी? सवाल, क्या रिबेट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप जीते। बताओ बैलेंस कितना हुआ? इज इट 30,000? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया। 32,500? यस। अब भी कुछ बाकी है भाई साहब तेरे मेरे बीच में? फाइनल आंसर शुड बी 33। जिन जिन से गलती हुई सबको समझ में आया कहाँ गलती हुई? बराबर है, पक्की बात? ऐसे कैसे समझा? मेरे को नहीं समझा, मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपको समझा? मेरे को नहीं समझा, मैं अपने आप को वापस समझा रहा हूं। प्रॉब्लम को जब मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो मुझे यह समझ में आया कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। पक्की बात? क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब हुआ? नहीं, मैंने मेरी अदर इनकम लिखी, लेकिन अब तक मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो है 2,50,000 रुपए, दैट इज 2,50,000 रुपीज। अगर मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूं मेरी नॉर्मल इनकम से, एंड आई हैव स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वॉट इज माई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? 2,50,000। अब मेरे पास दो स्पेशल इनकम थी, एक थी लॉन्ग टर्म, दूसरी थी कैजुअल इनकम। बताइए कैजुअल इनकम से स्पेशल एडजस्टमेंट पॉसिबल? तो मैंने नॉर्मल इनकम से करी। मैंने किससे करी? नॉर्मल इनकम से करी। मैंने नॉर्मल इनकम से करी, अब यहां पे 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को बेसिक एग्जम्पशन पूरा लेना था, लॉटरी से तो ले नहीं सकता था, तो मैंने यहां एडजस्ट किया, मेरा टैक्स जीरो आ गया। जीरो क्यों? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस हुआ, टैक्स विल बी जीरो। अब लॉन्ग टर्म पूरा 2,00,000 टैक्सेबल होगा या 50,000 माइनस करके? 50,000 माइनस करके, क्योंकि 2,00,000 में से 2,00,000 में से 50,000 तो तुमने एडजस्ट कर दिए। डोंट गेट कंफ्यूज, वहां पे 112 ही लिखा है, 112 ए नहीं, तो तुम पहले 1,00,000 माइनस करते थे। तो जो लोग को नहीं समझ में आया वो 112 और 112 ए में कंफ्यूज है। 112 20%, 112 ए 10%, बियॉन्ड 10,00,000 पहले ये लर्न कर लो, बियॉन्ड 1,00,000, ठीक है। लॉटरी अपनी मदमस्त चाल वैसे ही चल रहा है, आपका टैक्स कितना आया? 45,000। यहां पे क्लियर हो गया मालिक? मालिक इधर जिसको नहीं समझा था उसको क्लियर हुआ? पक्की बात? आपका रिबेट मिलेगा? यस, रिबेट मिलेगा। क्यों मिलेगा बोलो? टोटल इनकम इज लेस देन 5,00,000। क्या आपका टैक्स आ गया आफ्टर HEC? यस और नो? अच्छा, विक्रांत कह रहा है सर सर आपने लॉटरी क्यों एडजस्ट नहीं करी? बेबी, पांचवी बार कह रहा हूं बच्चा, नहीं हो सकता बाबू। यस नहीं, एक और लगेगा। एक और लगेगा जब तक सबका आया नहीं। अच्छा याद रखें, अब तक मैंने बुक के क्वेश्चन चालू ही नहीं किए, ये सब एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशंस। वो बुक के क्वेश्चन अलग है, वो 250 क्वेश्चन अलग चलेंगे, एग्जाम्पल अपने अलग चलेंगे। कृपया एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्रॉब्लम में काउंट ना करें। चल बेटा, PGBP 1,80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,10,000, अंडर सेक्शन 112, बराबर?
एंड लॉटरीज 5,000। कोई जल्दी नहीं है, धक्का मुक्की नहीं, मारा पीटी नहीं, आराम से। मेरे को जल्दी नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। हौले हौले जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। आधे से ज्यादा पता है क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि हम जिधर नहीं है, 2,10,000, हम जो सॉल्व कर रहे हैं तुम उसको छोड़ के आगे पीछे का ढूंढ रहे हो। इधर 112 ए हो जाता तो क्या होता, उधर वो हो जाता। अबे जो चल रहा है पहले उस पर तो फोकस कर ले। 2,10 है, 2,10,000। सब आएगा, तुम्हारा जो 112 ए वाला है वो भी आएगा। पहले जो सिखा रहा हूं बेसिक, तुमको पहले दिन एडवांस पे पहुंचने का है। प्रॉब्लम ये है, तुम शांति से जो चलाए जा रहे हो चलते जाओ, तुमको जो सवाल नहीं है मैं उसका भी जवाब दूंगा। सेवनटीन सिक्स एट्टी एक जवाब, ये जवाब है तो मत दीजिए। आ गया ये जवाब, कोई और जवाब है तो बोलो। हाँ बेटा, तेरा 6 लाख समथिंग टैक्स आया है कुछ? अब भाई वो इनकम से ज्यादा टैक्स निकाल देते भाई, पूछना पड़ता उससे। 17 बाजू बोलेगा। 17,680 जवाब आ गया। इसके अलावा डाइवर्जन में कुछ है तो बोलो। ये बात, एक और क्वेश्चन लाएंगे हम। भाई गलती किया मेरे टीम मेंबर ने, मेरे घर का एक भी बच्चे को जमा नहीं तो मैं फिर से एग्जाम्पल लेगा, और तब तक लेगा मां कसम एक लेक्चर एक्स्ट्रा गया, कोई तकलीफ नहीं। बराबर है कि नहीं? हो दिया तोटा, टैक्स आए मोटा, चला। 31, हाँ 31, क्या 31 संडे, दो क्वेश्चन और लेने पड़ेंगे। 29 कितना है था ब्रो तेरा? 21,840, 17,820, 17,680, बहुत बढ़िया। यहां जितने जवाब आएंगे ना बेटा उतने क्वेश्चन तुम आज घर पे सॉल्व करोगे। अभी जवाब दो, यहां जितने जवाब आएंगे। 21,320, 21,320, 19,760, 29,120, 32,240। सर भी लाइक जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ बराबर है। हाँ 18,200, 18,200, 18,200। तो अब तक के सबसे बड़ा जवाब आया 32,240। भाई साहब 32,240 एक, 32,240 दो, इससे बड़ा कोई जवाब? 40,000। मार बाजू वाले को, मार उसको। हाँ 17,680 आ गया जवाब, 32,243। चलिए बहुत शानदार, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 8 होमवर्क तुमको मिलने वाले हैं अभी। सुन पी जी, चुप 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 चुप, तेरे को टाइम दिया था तूने कर लिया, अब मेरी बारी, शांति रख। फ्लोकी का जवाब आया 7 करोड़। बेटा बेटा एक काम कर, जल्दी से जल्दी से तू दूसरे 5-6 कोर्सेस के एडमिशन भी ले। इस पीजीपीपी 1,80,000, आई आस्क यू अगेन, वेदर आई एम एबल टू एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? नो, बट डू आई हैव अ स्पेशल इनकम?
डू आई हैव अ स्पेशल इनकम? आई हैव टू स्पेशल इनकम. विच शुड आई एडजस्ट फर्स्ट? इज इट LTCG? कितने तक एडजस्ट करूं? इज इट 70,000? ताकि मेरा 250 हो जाए. इस 250 में से मैं मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 250 माइनस कर लूं एंड यहां पे मेरा टैक्स क्या आ जाए? 0. ठीक, ये हुआ ए पार्ट. पर अभी बी पार्ट बाकी है ना ब्रो. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 2,10,000 में से 70,000 बेसिक को दे दिया किराए पे, ये बचा मालिक 1,40,000. 1,40,000 का 20%. इज इट 28,000 ब्रो? फिर आया लॉटरी. सर हमने लॉटरी से ऐसा क्यों नहीं किया? लॉटरी से करते तो सर टैक्स बचता ना. आप बराबर है, लॉटरी से करते तो टैक्स बचता, पर सरकार ने अप्रूवल नहीं दी ना ऐसा करने की. मैं क्या करूं सर? पर इससे तो क्लाइंट का टैक्स बचता ना. हाँ बराबर बोल रहे हो, पर सरकार ने अप्रूवल तो देनी चाहिए. बताओ व्हाट इज टोटल? इज इट 29,500? क्या रिबेट मिलेगा? रिबेट सिर्फ 112A से नहीं मिलता, बाकी सब से मिलता है. रिबेट टैक्स में से मिलता है 12,500. और अभी तो रुको, और एक लेवल बाकी है बेटा. और भी कुछ बाकी है धरती पे? वाह, अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? फाइनल आंसर इज पका कलल का परसेंटेज ऑफ रिजल्ट एट CA एंटर. अच्छा, जिनने गलत किया उनको समझ में आया कहां गलत किया? हाँ या ना? पक्की बात? नहीं. नहीं. चलो थम्स अप क्वेश्चन. एक बोतल तो गई, दूसरी बोतल. हाँ लिखने का है, मेरे को कैलकुलेटर पे नहीं चाहिए. चल बेटा, PGBP 1,00,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 1,00,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 2,00,000, लॉटरी 50,000, टोटल 4,50,000. सर अब तो दो दो है, किस किस के साथ करें? सोचो, फायदा जिसमें ज्यादा उसके साथ करें. अब कॉमन सेंस तुम लगाओ. जिसमें ज्यादा फायदा, सर किसका? टैक्स पेयर का. पहले उससे एडजस्ट करें. अब दिमाग लगाए, इसी को तो कहते हैं टैक्स प्लानिंग. ये क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का है. अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, कहां जाएं? जिसमें फायदा ज्यादा वहां जाएं. सर पर अच्छा वो लग रहा है. अच्छा छोड़ो, फायदे की सोचो. सर सर हाँ सर 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 हाँ 33,800, 26,000, 33,800, 26,000. यस 26,000 इन टोटल. आगे इधर जवाब. पेप्सी नहीं रहेगा, आंसर सही हो जाएगा. 28,600. वाओ,
23,400 बहुत बढ़िया बेटे, 11,960 26,000 तो आ गया। ये जवाब देख के बोलो, ये जवाब देख के बोलो, ये जवाब है तो दो ही मत, 18,200। वाह भाई, दो लोगों का एक साथ, वाह साहब, दोनों ने कुछ तो एक साथ लॉ को इंटरप्रेट किया है। 31,200 भाई साहब, भाई साहब, क्या भारी लगता ना, मां कसम, ऐसा कंपटीशन के अंदर में। चलो आखिरी दो आंसर लूंगा। हाँ भाई, 13,000 आखिरी आंसर भाई साहब, थम्स अप क्वेश्चन, आखिरी आंसर 16,640 एंट्री क्लोज्ड। ये शानदार पेप्सी के लिए एंट्री क्लोज्ड, एक तो गई ऑलरेडी, अब दूसरी के लिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया, क्योंकि डर के आगे, वो इसी का है ना, वो माउंटेन ड्यू का है क्या, टेस्ट द थंडर, हाँ टैक्स थंडर से कम है क्या। अब सुन, देख एडजस्टमेंट तो हमें वही करना है, पर यहां एज अ प्रोफेशनल तेरे पास दो रास्ते थे, पहले शॉर्ट टर्म एडजस्ट कर दे, पहले लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर दे, तेरे पास दो एडजस्ट, दो रास्ते थे। अब अगर मेरा बच्चा ध्यान से समझे और हम हमारे क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करें, हम हमारे क्लाइंट के लिए क्या करें बोलो, टैक्स प्लानिंग। पॉइंट नंबर वन, इनकम टैक्स ने कुछ भी नहीं कहा दोनों में से किस में एडजस्टमेंट करनी है, हमें दोनों के हक दिए, पर हम तो वो करेंगे ना जिससे हमारे क्लाइंट का टैक्स ओवरऑल कम हो जाए। मेरे पास पहला रास्ता था, मैं शॉर्ट टर्म से एडजस्ट कर दूं, पर क्या ये रास्ता सही होता नहीं। देखिए इनकम टैक्स ने मुझे नहीं रोका, इनकम टैक्स बोल रहा है दोनों में से जो करना है कर ले, अरे एवरीबॉडी, इनकम टैक्स बोल रहा है दोनों में से जो एडजस्ट करना है कर ले, एडजस्टमेंट तो लगेगा, पर मैं किससे एडजस्ट करना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म। पूछो क्यों, टैक्स रेट हायर है ना, पहले उसको खपा डालो, वो जीरो में जा रहा है, 20% की जगह जीरो भरना पड़ रहा है, पहले उसको खपाओ, बनिया बुद्धि लगाओ भाई साहब पहले। चल पीजीबीपी 1,00,000, सर मैं तो आपको बोल रहा हूं, मान के चलो आपका कोई दोस्त होगा और अपने साथ नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ाने का ये वाले, गारंटी अपना नहीं कर पाता हो। चल लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर दूं भाई साहब, पूरा खप जाएगा क्या, शॉर्ट टर्म भी लगेगा ना बाबू, शॉर्ट टर्म भी खप जाएगा 50,000 तक। मालिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम है कि नहीं ब्रो, इसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दिया 2,50,000 भाई साहब, टैक्स ए निल, डू यू अग्री, डू यू अग्री। अब जो बचा वो बचा स्पेशल, स्पेशल में भी सबसे पहले बचा लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए, बोलो 2,00,000 में से 50,000 तो भाई के पास चले गए, बचे हुए 1.5 लाख पे 15%, एवरीबॉडी इज इट 22,500, लॉटरी 50,000 इंटू 30%, दैट्स 15,000, इज इट 37,500 ब्रो, कैन आई सी इट एज बी, टैक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, 37, क्या रिबेट मिलेगा, ये हुई बात। अब कैसे धीरे धीरे क्लियर हो रहा बेटा, 10 मिनट पहले तो तुम्हें ये लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा, मैंने आपसे पहले कहा होल्ड करो सब समझ आएगा तुम्हें, सॉल्व तो करते जाओ, अरे अपने पास प्रॉब्लम की कमी नहीं है ना टाइम की। इज इट 25,000 ब्रो, पर अब भी कुछ बाकी है धरती पे तेरे मेरे बीच में, 1,000, 26,000,
हाँ, ये लड़की ने मुझसे फिर वही सवाल पूछ लिया भरी सभा में, पहले शॉर्ट टर्म क्यों नहीं एडजस्ट किया? पूरी भरी सभा इस लड़की को बताए इस बच्ची क्या गलत कर रही है। अच्छा एक मिनट, इससे कोई फर्क पड़ता था मैं पहले शॉर्ट टर्म एडजस्ट करता या लॉन्ग टर्म एडजस्ट करता? नहीं, लॉ ने मुझे नहीं रोका, मैं कुछ भी एडजस्ट कर सकता था, पर लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट 20% है, वेयर शॉर्ट टर्म का टैक्स रेट 15% है। मुझे 20 देना है और 15 देना है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, 20 को जीरो कर लूं या 15 को जीरो कर लूं? समझा बेटा, द क्वेश्चन इज ऑफ टैक्स प्लानिंग। पर यह सवाल आज आया है तो सेल्फ पढ़ते वक्त भी आ सकता है। नीचे लिखो माई नोट, नीचे लिखो माई नोट। माई नोट बेटे, माई नोट एग्जाम में लिखने की, ये सिर्फ तुम अपने आप को मैसेज लिख रहे हो। लिखो ब्रो, BRW, ब्रो इस प्रॉब्लम में, ब्रो इस प्रॉब्लम में मेरे पास ऑप्शन था। तुम अपने आप को मैसेज लिख रहे हो, ब्रो इस प्रॉब्लम में मेरे पास ऑप्शन था, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से कुछ भी एडजस्ट कर लूं। प्रॉब्लम में मेरे पास ऑप्शन था शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से किसी से भी एडजस्ट कर लूं, बट मैंने लॉन्ग टर्म से किया, बट मैंने लॉन्ग टर्म से किया क्योंकि उसका टैक्स रेट ज्यादा है, क्योंकि उसका टैक्स रेट ज्यादा है। ये टैक्स प्लानिंग हुई, ये एक टैक्स प्लानिंग हुई जहां हम लीगली क्लाइंट का टैक्स कम कर रहे हैं, ये एक टैक्स प्लानिंग हुई जहां हम लीगली क्लाइंट का टैक्स कम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का लूप होल है। आपको पता है लॉ प्रोविजन में सरकार का लूप होल है। सरकार अगर बोल देती पहले तुमको शॉर्ट टर्म ही एडजस्ट करना है, वी विल एंड अप पेइंग हायर टैक्स, ठीक है, वी वुड हैव पेइंग एंड अप पेड हायर टैक्स, लॉ का लूप होल है। तो हमने क्या करना सीखा बेटा पहली बार धरती पे, टैक्स प्लान, चोरी, दैट टू लीगली, दैट टू विद इन द लीगल बाउंड्रीज। पर ब्रो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को तो अब तक नहीं समझा, एक और, ठीक है, इस बार तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं तीन में से एक सिलेक्ट करने का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.6, बेटा मैंने साथ ही एग्जाम्पल लिए, समझ रहे हो ना, ले बेटा PGBP 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 2 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 2 लाख, टोटल 7 लाख। बताइए लॉ ने कहा है क्या किस में से पहले सेट ऑफ करना है? यू डिसाइड कि क्या करना है। आपके पास क्लाइंट थम्सअप लेके आया है, थम्सअप इज योर फीस, मंगता है तो स्ट्रगल कर, पेपर पे चाहिए जवाब? नहीं 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 पेपर पे नहीं, नहीं कुछ रफ में नहीं, अच्छे से लिख, अच्छे से लिख, अच्छे से लिख, टेस्ट द थंडर। बात पेप्सी की नहीं है, बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है। ये साला बाजू वाले को जमा और मेरे को जमा ही कैसे नहीं? तुम पेपर पे लिखो, कुछ पेपर पे नहीं सॉल्व कर रहे तुम लोग, चल
इतने जल्दी हो ही नहीं सकता। अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, इतने जल्दी सॉल्व ही नहीं हो सकता बोल रहा हूं तो। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं लड़कियों से बड़ा नाराज हूं भाई इस बैच के। अरे लड़के कैसे जल्दी निकाल रहे, लड़के कैसे जल्दी निकाल रहे, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? अरे रुको रे, मैं जान रहा हूं तुम्हारे अंदर से जवाब आ रहे, रुको, मेरे को नहीं चाहिए, मैं सॉल्व करेगा, मैं थम्स अप पिएगा। सुनो सुनो, दो मिनट रुको, हाँ एक एक से पूछ रहा हूं, बोल भाई। एक एक मैं आ रहा हूं, रुको, और दो बाकी है, रुक जाओ। हाँ थोड़ा जोर से बोलना, 56 46 800, एक जवाब आया मेरे पास 46 800, ठीक, रुक 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 रुक, इधर पीछे था 39,000, 52,000, हाँ 49,400, इधर पीछे, इधर पीछे बोल, 28,600, 28,600, ये इधर आगे, इधर आगे, हाँ 62,400, हाँ 62,400, वो उधर पीछे, हाँ हाँ बोल बोल बोल, थोड़ा जोर से बोल, 41,600, 41,600, यस, ऑनलाइन में मोहित स्नेहा संस्कृति नक्षत 52,000, ये आ गया रे जवाब ब्रो। हाँ यहाँ पे शोएब, वेदांत, मानसी, संगीत, प्रतीक, प्रेरणा, सबके 52,000, शानदार। हाँ 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 वो उस कोने से मेरे को एक भी जवाब नहीं आया, ऐसा चालना नहीं भाव सांगुंडे तो, 52, 52, 52, हाँ 50, 52, 39, 52, 57,200, फिफ्टी टू, 31, 28,700, 28,700, 33, 36,400, भाई साहब लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री 23,920, एंट्री क्लोज्ड। यस पहले उसको दे दे भाई, मैं भूल जाऊंगा, पीछे ट्रांसफर कर, तेरी बाकी है भैया, तेरी बाकी है, आके लेना। हाँ तो टेस्ट द थंडर क्वेश्चन में सुनो सुनो, आपका समय समाप्त, अब मेरा शुरू, शांति शांति। ओ मेरे पास ऑप्शन है, अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तीनों में से कुछ भी एडजस्ट किया आंसर सही ही रहने वाला है, लॉ ने क्लैरिटी नहीं दी कि पहले क्या एडजस्ट करना, आंसर सही ही रहेगा तीनों में से पहले कुछ भी किया हो तो, लॉजिकली मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सारे आंसर सही है, बट एट द सेम टाइम अ प्रोफेशनल इज ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस द टैक्स। हेलो ट्रिंग ट्रिंग, हेलो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तीनों में से कुछ भी एडजस्ट करूं लॉ के हिसाब से मैं गलत हूं ही नहीं, द लॉ इज अनक्लियर पहले क्या करना है, सो आई हैव द होल लिबर्टी टू रिड्यूस द टैक्स, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट टू एडजस्ट फर्स्ट, 112, आपको कोई तकलीफ अगर मैं ये फर्स्ट एडजस्ट कर दूं तो पूछो ना क्यों, अबे इस पे 20% टैक्स है, सबसे लास्ट में 112 ये एडजस्ट करूंगा, क्योंकि उस पे कितना परसेंट है, 10%, That to beyond 1 lakh, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं वो सबसे एंड में एडजस्ट करूं, अगर कुछ बच गया तो इधर से एडजस्ट होगा क्योंकि इस पे 15% टैक्स है, समझ में आ रही बात? सो लॉजिकली इज योर पीजीबीपी 1 lakh, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112,
कितना एडजस्ट हो पाएगा? 1,50,000। यहां आपका टोटल आ गया डैश, बोलो हाँ। टोटल टैक्स आपका इस केस में आ गया डैश। अब बचा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, बोलो कितना? इज इट 50,000 इंटू 20%? दैट्स 2nd शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए 2 लाख इंटू 15% इज इट 30,000? यस। जितने अलग अलग सेंटर से मेरे दोस्त लोग कनेक्टेड है भाई साहब, कोल्हापुर, आगरा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, केरला, नेपाल, जितने जगह से कनेक्टेड हो प्लीज सुनते जाना। भाई साहब 1 लाख पे 10%, किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो अभी, मेरे को है तो बोलो, इज इट 10,000? इज इट 50,000 ब्रो? तो रिबेट मिलेगा। अच्छा हाँ हाँ, ये लॉन्ग टर्म को हटा के रिबेट मिलेगा, और दोनों रिबेट, और दोनों, अरे प्लीज दोनों बेटा, टोटल इनकम कितनों ने रिबेट दिया था, ईमानदारी से हाथ उठाओ। ये वो लोग हैं जो मोनोटोनस वर्क कर रहे हैं कि पिछले 4 प्रॉब्लम में ये किया तो इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। किती वेळा सांगितलं तुम्हारा, डायरेक्ट टैक्स मध्ये प्रत्येक प्रॉब्लम वेगवेगळा आहे। गलत बोला क्या? गलत नहीं बोला ना, सही बोला ना मैंने? हां मग माझी मराठीचा तो कौतुक करायचं तर करा, नाद नाही करायचं माझी मराठीचं। इतना ही आता था, लर्न किया मैंने। बेटा 50,000 इंटू 4%, एंड द फाइनल आंसर इज, हाउ मेनी पीपल गॉट द राइट आंसर? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाउ मेनी पीपल? सिर्फ एक गलती, एक गलती कहां हुई? समझा? तो यहां ऐसा नहीं इसके बाजू लिखने का, लिखो इसके बाजू, मैं पागल हूं। मैं बोल रहा हूं लिखो, ईमानदारी से लिखो जिससे गलती हुई, मैं पागल हूं अगर टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख रिबेट मिलता नहीं। मस्त ऐसा लिख के हाईलाइट करने का, मैं पागल हूं, और थोड़ा दर्द चाहिए लिखने का, उसकी शादी हो जाएंगी मामा, ये 52,000। पहला जवाब किसने दिया था मेरे को तीसरे नंबर का? भाई पक्का तुझा साठी दे उसको, भाई तेरा है वो पीछे, वो ग्रीन है, उसको उसको दे रहे है ना अपने पास आज के। सर यार ये गलत है यार, आप रिश्वत दे के काम करा रहे हो। मैंने तुम्हें क्या कहा? बात रिश्वत की नहीं है, बात इस चीज की है कि साला मेरे से पहले किसी ने सॉल्व किया कैसे, इस पे हक मेरा है। एक बात याद रखना, जब भी लाइफ में चैलेंज मिले ना, अपने आप से हर बार ये पूछना, इफ नॉट मी देन हु, एंड नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो कोई और इसको ले ही कैसे सकता है? क्यों, उसके पास क्या अलग है? मेरे पास भी है, मैंने भी वही पढ़ा, उसी टीचर से पढ़ा, पर वो मेरे से पहले जवाब निकाल रहा, निकाल ही कैसे सकता है? टेक इट एज अ चैलेंज। बात थम्स अप की नहीं है, तुम इतना पोटेंशियल रखते हो ऐसी 4 कंपनी खड़ी करोगे, तुम इतना पोटेंशियल रखते हो, बिलीव मी तुम इतना पोटेंशियल रखते हो। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि मैंने जानबूझ के आज ये किया। क्यों किया? मैंने बोला इनको भिड़ाए तो सही, किसी चीज के लड़ाए तो सही। सीखने क्या मिला? जब लक्ष्य के ऊपर आप फोकस करते हो, आपने देखा
पिछले 1.5 घंटे से आपको कुछ और नहीं सूझ रहा। ब्रो मानेगा कि नहीं मानेगा? पिछले 1.5 घंटे से तेरे को कुछ नहीं सूझ रहा। तेरे लाइफ में क्या था? उसने तेरे को मैसेज किया कि नहीं किया? नींद आ रही नहीं आ रही? कॉस्टिंग इवन दो योर फेवरेट सब्जेक्ट। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग ही है ना? है ना, कॉस्टिंग ही तेरा फेवरेट? नहीं नहीं अकाउंट चल रहा है हाल फिलहाल। मस्त है कि नहीं है? ब्रो जब लक्ष्य क्लियर हो ना तो आदमी इधर उधर नहीं सोचता। तू जब से इस चीज को सोच रहा है अब इसके जगह बस सीए डिग्री लगा के देख, फिर देख कैसा भगता है तू। ये थम्सअप के कवर के जगह इस पे सीए डिग्री लगा और सोच कि भाई मेरे को ये अर्न करने का है। अब देख तू कैसा भागता है, अब देख तू कैसा भागता है। बात इससे इस चीज की नहीं है, बात ये है कि तुम्हें जीतने की आदत लगी है और तुम जीतना चाहते हो। गलती कर रहे हो, ठीक है, हम सब कर रहे हैं और जीतेंगे भी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात? पहला अटेम्प्ट लगा था मेरे को, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, पहला अटेम्प्ट लगा था मेरे को। सो यू नो क्या हुआ था? जब पहला अटेम्प्ट लगा था, फाउंडेशन अपन सीपीटी था हमारे टाइम पे, तो अपन ने क्लियर कर दिया फाउंडेशन और इंटर में लग गया अपने को अटेम्प्ट। एवरी रिलेटिव वॉज लाइक, मालूम फाउंडेशन का तो रिजल्ट ज्यादा ही आता है ना, इस बार तो रिजल्ट भी अच्छा ही आया है ना। अरे वो तो लकी था, उस टाइम पे हो जाता है, लक भी मैटर करता है। अब देखो इंटर में कैसे अटक गया। आज जब उसी रिलेटिव का बच्चा पहुंचता है ना बेटा, जब 12th में सीए करने के लिए पहला फोन मेरे को आता है, तो बात समझो क्या अटेम्प्ट से फर्क पड़ता है? नहीं। तुम भी अभी जो गलती कर रहे हो वो अटेम्प्ट है, पर अटेम्प्ट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि तुम लड़ना ही छोड़ दो। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं वो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे, वो बोल रहे छोड़ना अपने को नहीं चाहिए थम्सअप। बात थम्सअप की है नहीं बे, बात इसकी है तेरे आत्मसम्मान की, कि कोई इधर बैठ के अगर तेरे से पहले सॉल्व कर सकता है तो तू भी सॉल्व कर सकता है। बस गेम इतना है, अब सही कर गलत कर, पर कुछ तो कर, पर कुछ तो कर। इसे शायरी से कहना चाहूंगा, इरशाद करना, कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी घर से निकलते तो सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी घर से निकलते तो सही। अबे भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अबे जो बाहर निकला कुछ सॉल्व किया, उसको समझ में आया उसने कहां गलती की? मंजिलें तो मिल ही जाएंगी घर से निकलते तो सही। जिसने सॉल्व ही नहीं किया उसको समझ ही नहीं रहा मास्टर के साथ में पूरे सातों प्रॉब्लम अलग ले लिया, सात प्रॉब्लम में पूरे सात प्रॉब्लम अलग ले लिया। ये है तुम्हारा इंटर बेटा, और ये सब मैं बता दूं 50 मार्क के लिए। सर सब सही है ये बोला ना तुमने सर, ये देखो खून खराब हो जाएगा सर। चलो एक और, क्या बोलते पंटर, एक और बोलो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो ना, इस प्रॉब्लम में भी माय नोट तो लिखनी बनती है ब्रो, माय नोट लिख पहले। इस प्रॉब्लम में भी मुझे ऑप्शन था, माय नोट लिख इसमें भी, इस प्रॉब्लम में भी मुझे ऑप्शन था। मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में से किसी में से एडजस्ट करूं, मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी में से एडजस्ट करूं, बट आई एडजस्टेड इट अगेंस्ट बोलो बेटा, LTCG अंडर 111, सॉरी 112, दैट इज द हाइएस्ट रेट। LTCG अंडर 112, दैट इज द हाइएस्ट रेट। टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी चलिए 7th एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर सेवन का, एक मिनट ना, एक मिनट सिर्फ। सेवन पॉइंट सेवेंटी लिखा, चलेगा क्या? नहीं ना। पीजीबीपी 1 लाख, चल 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 फाइनल डेस्टिनेशन, चल 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 फाइनल डेस्टिनेशन पीजीबीपी 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 4 लाख, दैट इज 4 लाख। हॉर्स रेस विनिंग, हॉर्स रेस विनिंग 50,000, ओवरऑल 6,50,000। कम ऑन, इसमें एक भी गलती मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, समझ रहे हो तुम? एक भी सहन नहीं करूंगा, एक भी नहीं। सर आज कुछ अच्छा सीखा, मजा आ गया, गुड बेटा करते रहो, गलती चलेगी, नहीं सॉल्व करोगे वो नहीं चलेगा। पेज वेस्ट कर दो अटेम्प्ट वेस्ट करने से, सॉल्व कर। किया अच्छे से लिखना लाला, ऐसा क्यों कर रहा तू, लिखना अच्छे से। 83,200 ना, हाँ करो ना करो ना, टेंशन मत लो। सोचो एग्जामिनर के पास कितना स्कोप है, सेवेंटी एट और 83,200। लो यहां पे भी दो राय आ गई, 83। ब्रो कुछ तो गलत है, बहुत पब्लिक एक तरफ बोल रहा है, तू कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा? अक्का भारत का पब्लिक एक तरफ और तू एक तरफ, लॉन्ग टर्म पे टैक्स आया 50,000, लॉन्ग टर्म पे टैक्स आया 50,000, शॉर्ट टर्म पे टैक्स आया 15,000, हॉर्स रेस पे भी आया 15,000। इज योर टोटल 80,000? हाँ तो रिबेट मिलेगा, मिलेगा दे दो ना, HEC तो लगाऊंगा ब्रो, कुछ भी बोल दो। फाइनल आंसर कम्स टू, कहाँ गलती किया था? आई होप एवरी वन नाउ क्लियर। जो 20 मिनट पहले आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट आ रहा था वो अब क्लियर है, पक्की बात। अब अपनी बात हुई थी 7 होमवर्क की, आपने बोला था 7 होमवर्क चाहिए, याद है ना तुम्हें? चलो सॉर्टेड है, अब ये सारी एडजस्टमेंट डन हो गई। अब मैं चाहता हूं सिर्फ आप सवाल पूछे जो हमने किया उसके बेसिस पे, और जिसको सवाल नहीं है पिछले 7 क्वेश्चन सिर्फ ईमानदारी से यहीं पढ़ो, तुम घर पे जाके नहीं पढ़ोगे। जिसको सवाल है ऑनलाइन ऑफलाइन वो पूछो,
जिसको सवाल नहीं है सिर्फ सारे सातों क्वेश्चन इधर ही देखो। हाँ जी ए वाला टैक्स हटा के जो बैलेंस बचता उस पर रिबेट लेते हैं। अगर पिछले प्रॉब्लम में 112A होता, ठीक है, अगर होता तो 112A का जो टैक्स कंपोनेंट है उसको बाजू करते, बैलेंस टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, मतलब 112A वाले कंपोनेंट पे टैक्स दिया जाता, ठीक है। हाँ एग्जाम में अगर मान लो सर रिबेट आ ही नहीं रहा तो एग्जाम में रिबेट वर्ड लिखना है क्या? नहीं लिखो तो भी चलेगा, हमने जानबूझ के यहां लिखा क्योंकि हर एक बच्चे की जनरल एक्सेप्टेंस के लिए। जी यही बात था। हाँ जी बच्चे एक सौ बारह ए में 10% लगता है बेटा। हाँ बट एक मिनट मैं आपका सवाल लिखता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना लिखूं? 10 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 2 लाख। तो कौन सा बेसिक में से एडजस्ट करेंगे, ये सवाल है ना? विदाउट एनी डाउट टैक्स आपका ज्यादा ही रहेगा, मेरे बात समझना, बट इसको एडजस्ट करने से बेटर इसको एडजस्ट कर दो ना आप पूरा। इससे फायदा क्या होगा? 20% सेव कर रहे हैं हम 2 लाख पे, समझ में आ रही बात? तो ओवरऑल टैक्स कम हो जाएगा। आप दोनों तरीके से घर पे सॉल्व करके देखो, आपको दोनों टैक्स कम मिलेगा, इसमें टैक्स कम मिलेगा। हाँ जी हाँ फिर हाँ जी सर 112 ए होता 5 लाख से कम होता रिबेट मिलता क्या? मैं सबको एक बार बहुत क्लियर कर दूं, प्लीज सुन लो क्योंकि मैक्सिमम का डाउट यही है। मेरी बात समझ लेना, मेरी बात समझ लेना। अगर 112 ए है, हमने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है, पलट के देखो, जिसमें 112 ए भी लिया है हमने, ठीक है, पर एक प्रॉब्लम वैसा भी ले सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। डू वन थिंग, अप्लाई योर माइंड, ये होमवर्क ही लो, एग्जाम्पल नंबर 7.8, ठीक है, PGBP 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 3,90,000, बराबर यही सवाल है ना सबका, कि 5 लाख से कम होता और अदर इनकम भी होता तो रिबेट लेते या नहीं लेते, यही सवाल है सभी का। ट्राई कर लो, चलो होमवर्क के अंदर में यही ट्राई करने का मूड है, कर लोगे तो कर लो। Is your tax 14,000? Add इधर देखो
इधर देखो बेटा, क्या मेरे पास मेरा पीजीबीपी इनकम था, पर क्या मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब कर पाया, तो मैं स्पेशल इनकम को यूज कर लूं, हां या ना? मैंने यूज कर लिया, इधर का टैक्स आ गया जीरो। बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सुन बेटे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था पूरा 3,90,000, इसमें से पहले 1,00,000 रुपए गायब कर दो, इसमें से 1,50,000 रुपए और गायब कर दो, तो बैलेंस बचता कितना बोलो बेटा? 1,40,000 पे कितना परसेंट? 10% टैक्स आया 14,000। एवरीवन यस और नो? क्या रिबेट मिलेगा? 112A से रिबेट मिलता नहीं। हो गया डाउट क्लियर? यही पूछ रहे थे ना, क्या चिंता करता ब्रो, चिल्लर। एट द रेट ऑफ 4% इज इट 560 ब्रो? टोटल 14,560। होत हार्ड? पक्की बात? सुनो ना, एक और लेना, एक और बस, चिल्लर क्वेश्चन है, खुद ही कर ले। अरे करना, ट्राई करना। 1,00,000 रुपए पे एक सवाल का जवाब दो इस बच्ची का, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, जवाब देना। पीजीबीपी 1,00,000 रुपए है, लॉटरी इनकम 3,00,000 रुपए है, क्या करना चाहिए? पीजीबीपी वाले कंपोनेंट पे टैक्स जीरो, 3,00,000 पे 30%, दैट इज 90,000 माइनस रिबेट प्लस एचईसी। पहले लॉटरी क्यों एडजस्ट नहीं की? कोई है वीर पुरुष जो इस बात का जवाब दे पाए? बेटा पहले लॉटरी क्यों? पहले छोड़ो, लॉटरी एडजस्ट ही नहीं हो सकती, पहले क्यों का सवाल ही क्या है? इतने देर से चीख चीख के कह रहे हैं इस बच्ची को, लॉटरी नहीं एडजस्ट हो सकती। देखो ना, लिखी हो तुम, पिछले 7 प्रॉब्लम वही सॉल्व कर रही हो बिटिया, ना ना इस देश लाडो। हाँ ये ले ब्रो, ब्रो ये ले, सुन सुन सुन, सुनना ब्रो। 380 माइनस 5,00,000, 120 चल ले। बहुत से लोगों का ये भी डाउट था, लो ये भी कर लो। अभी मेरे को बच्चे बहुत सारे अलग अलग फिगर डाल रहे हैं। भाई इफ एनी वेरिएबल चेंज द आंसर विल चेंज अकॉर्डिंगली। अभी तू मेरे से 1,000 क्वेश्चन भी उधर पूछेगा ना, तो 1,000 क्वेश्चन में भी आंसर बदलेगा ही बदलेगा। तू बेसिक कंसेप्ट तेरे याद रखना ब्रो। एग्जामिनर के पास दोनों आंसर रहेंगे, आप लिख देना वी हैव एडजस्टेड इट अगेंस्ट दिस। एग्जामिनर भी वही का आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। फोर्टीन थाउजेंड फोर्टी और जीरो,
क्या लॉन्ग टर्म 1,70,000 तक एक्सटेंड होगा? डू यू अग्री? समझा क्या क्या गलती कर रहा? चम्मी कपूर इज 1,30,000 पे 20%, इज इट 26,000? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 वे जीरो, नहीं लेना मेरे को टैक्स, नहीं लेना मेरे को टैक्स। कोई तकलीफ है तुम्हारा? नहीं, नहीं लेना मेरे को टैक्स। तेरे को नहीं समझाना 112 ये 1,00,000 तक के टैक्स नहीं लगता, वो 1,00,000 ही है। ये तुमने, एक मिनट, ये फिगर मिट गई है। ये कितना लिया तुमने LTCG 112? ये 70,000 था, क्योंकि ये मिट गया है यहां पे। पक्की बात सॉर्टेड है ब्रो? लो जी भाई साहब, लो जी भाई साहब, टैक्स कितना बेटा? 26,000। हाँ तो रिबेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तेरा 500 ओ ये बराबर। अब इसमें और भी कुछ हो सकता है। तुम मेरे को बोल सकते हो सर एक काम करो, लॉन्ग टर्म 2,00,000 रख लो और LTCG 112 1,00,000 के ऊपर कर लो। जितने वेरिएबल बदलोगे आंसर उतना ही बदलेगा। देखो कौशल ने पूछ ही लिया, तुम जितने वेरिएबल बदलोगे आंसर बदलेगा ही। मूल कंसेप्ट याद रखो, 112 का जो भी टैक्स आ रहा उतने कंपोनेंट पे रिबेट मत दो। बचे हुआ जो कंपोनेंट आ रहा उस पर रिबेट दो ना, क्या तकलीफ है? इज दिस डन? चलो फिर भी मेरे भाई कौशल ने पूछा है तो इसके लिए नहीं। एक मिनट, ज्यादा चिल्ला पुकारा नहीं, साथ ही प्रॉब्लम लिया हूं, साथ ही प्रॉब्लम लिया हूं मैंने। चल मेरे भाई कौशल ने क्या बोला? जो थारा भाई, थारा भाई कौशल, कौशल जवाब लिख बेटा, सवाल लिख। चल तेरे सवाल को लिखता हूं, मैं लिखता हूं। जो थारा भाई PGBP कितना आया? 80,000। ठीक, ये ले बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1,50,000। बस बेटा फिर लिख देता हूं मैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। चल ले बेटा, तेरी भी इच्छा पूरी करूं। भाई है तू अपना पागल, ले ले 2,00,000 पकड़। चल बस ले भाई कर, इतने से दिल की ख्वाहिश। बिजू भैया अगर LTCG और LTCG के दोनों ऐड होंगे तो रिबेट मिलेगा क्या? 112 एक कंपोनेंट पे नहीं मिलेगा, 112 वाले कंपोनेंट पे मिल जाएगा।
हेलो 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 भाऊ, सॉल्व करू का मी? भाऊ झालं तुमचं जे काही करायचं होतं ते केलं, सॉल्व करू आता मी? काय वाटतं तुम्हाला, काय आहे तुमचा उत्तर, काय आहे तुमचं? 5,200 रुपये. हो भाऊ, हो. सो दोज हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड डोंट नो मराठी, डोंट वरी, फैक्ट्री डिफॉल्ट चेंज किया मैंने अभी, ठीक है? मेरे को नहीं समझ रहा मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प करो ना, प्लीज हेल्प करो ना. तुम जैसा बोलेंगे मैं वैसा लिख दूंगा. आप बोल ब्रो, क्या करूं? बोल ब्रो, जल्दी बोल. इधर 80,000 लिखू, क्या ऐड करूं दोनों में से? अच्छा, एक काम करो, पहले 5 मिनट बात कर लो, कहीं नहीं जाते, आराम से. आज खाना वाना खाने का कोई काम नहीं है. नहीं नहीं तुम पहले बात कर लो, फिर ये कर लेते. हाँ, दोनों में से किस में से एडजस्ट करूं? दोनों में से किस में से एडजस्ट करूं? पक्की बात ना? देखो, बदलोगे तो नहीं अपना स्टेटमेंट? कितने एडजस्ट करूं? याद रखना, ये 2.5 लाख करने हैं, इसमें से 80 माइनस मत कर देना. ओ चम्मी कपूर, क्या टोटल 2,50,000 आया ब्रो? इस पे टैक्स जीरो आया ब्रो, इस पे टैक्स जीरो आया ब्रो. इधर बैलेंस बच गया तेरा 30,000. 30,000 का इज इट 6,000 ब्रो? LTCG 50,000 का 10%, कोई तकलीफ? हाँ, 1.5 लाख का 10%, 1.5 लाख का 10%, अरे 1.5 लाख का 10%. 11,000 ब्रो, ब्रो 11,000 ब्रो. टैक्स 11,000. हाँ, क्या रिबेट मिलेगा? 11,000, 11,000, 11,000. देखो मेरी बात सुनो, अरे तुम अभी कच्चे नींबू हो. 11,000, 11,000. बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अपना जवाब बुलंद करो. 11,000, 11,000. शर्त लगाओगे? शर्त लगाओगे? नहीं रुको, मेरे को नहीं लगाना. कितना? 11,000. 5,000. 8,000 पे सेटल करो, 8,000 पे सेटल करो. अब भी बोल दो देख लो, अब भी बोल दो देख लो. एंड आंसर इज, एक सौ बारह ए में से रिबेट मिलता नहीं. कितनी वेड़ा सांगू? वेड़ा ही तो लिखा ना, डब्लू वाला है क्या? ए, 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 हाँ तो आंसर 5,000, आंसर 5,000. HEC एट द रेट ऑफ 4%. फाइनल आंसर इज,
अब सबको कल गया क्या करना है, पक्की बात? ओ हेलो हेलो, किधर जा? बैठो बैठो भी। ना हाँ, अब तो तुमको समझा, मेरे को थोड़ी नहीं समझा, मैं अपने आप को दो पांच बार और समझा रहा हूं। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। 11, 7.12, बाहर जाके चीख चीख के चिल्लाना मत, साथ ही क्वेश्चन लिए हैं। 7.14, 7.15, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी लिखो। पीजीबीपी 2 लाख, लॉटरी 3,50,000, पीजीबीपी 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 7 लाख, पीजीबीपी 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 2 लाख, 2,20,000। रुको, हेलो, सॉल्व हुआ ये? ये हो गया क्या सबका? टोटल धमा, मजा आया कि नहीं आ रहा आज? भाई भारी था कि नहीं आज? मजा आया ना, लेकिन सारे तंत्र मंत्र सब खुल गए ना। हाँ, बचे हुए पेप्सी का क्या? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। हॉर्स रेस विनिंग, कल और भारी कंसेप्ट पढ़ेंगे। डू यू वाना गो मैड? और भारी का करेंगे भैया। इतने क्वेश्चन अगर आपने किए नहीं तो आने का नहीं। और सोचो आज जिसने मिस किया होगा MIESS वाला, वो जीवन भर मेरे को टैक्स में बहुत मिस करेगा। डन, थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम। जय, लेके जा, लेके। ये भाई तेरा है, लिख के बता। सर 7.10 नहीं समझ में आया। अभिषेक आज घर पे जाके पढ़ना, आज जितने प्रॉब्लम सॉल्व करा है घर पे जाके एक बार सबको देखना है, ये भी होमवर्क है। जीरो टैक्स है उस केस में, पूरा प्रॉब्लम ढंग से देख। अगर सिर्फ यही इनकम है, टैक्स जीरो हो जाएगा ना। हाँ, अगर यही है, कहाँ निकाला ये? ले, ये प्रॉब्लम ढूंढ। अरे पर 1 लाख से कम है, यहाँ इनकम ही 1.5 लाख है ना।
अगर ये 70,000 होती तो यहाँ पे जीरो कर देता ना इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये अगर 70,000 होती तो निकालता ही नहीं ना बेटा। सर कल का बैकअप, भाई 2 मिनट सर, सर कल का बैकअप मिल जाएगा क्या? भाई बैकअप को अपलोड होने के लिए एटलीस्ट 2 दिन लगते। लाइव लेक्चर में आओ ब्रो। हाँ संग संग अरे बाळा, पण जर आपल्याला 1 लाखच ऍडजस्ट करायचे असेल तर कुठला जादा होईल, कुठला जास्त होईल? अरे तू इन्कम नको बघ ना, तुला ऍडजस्ट किती करायचं आहे? 1 लाख ऍडजस्ट करायचं आहे। जर तुला 1 लाख ऍडजस्ट करायचं आहे तर 1 लाखच्या 20% किंवा 1 लाखच्या 15% काय जास्त होईल तर ते ऍडजस्ट करायचं ना। इन्कम मध्ये बघायचं नाही, टॅक्स रेट मध्ये बघायचं। यस हां जी हाँ, नॉट कैजुअल इनकम। ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, ये LTCG से हो जाएगा, STCG से हो जाएगा, लॉटरी या अदर विनिंग से होने वाला नहीं है। LTC हो जाएगा, STC ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर ये नहीं हो। देखो समझा, बोल नहीं समझा। कैजुअल विनिंग और ये विनिंग में से ये एडजस्टमेंट होता नहीं, ये 3 में से हो सकता है। ओनली दिस एक्सक्लूडिंग स्पेशल। आई नो दैट टोटल इनकम इज एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तभी हम नीचे अलग से लिख रहे हैं ना उसको, तभी हम उसको अलग से लिख रहे हैं ना। या सो फर्स्ट यू कम, इफ यू आर एडजस्टिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नो, फिर इसको हटा देने का, इसको पहले स्पेशल पर डालने का, राइट? एंड देन वॉट एवर इज द बैलेंस यू कैलकुलेट एज द नॉर्मल रेट। यस किसने उठाया यहाँ से वो दे ले भाई, फक्त तुझा साठी। ये जो 7.10 था इसमें से अपन ने 2.5 लाख इधर इधर एडजस्ट किया, ये दोनों में। तो मैंने सर इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, 50,000 112 ए में एडजस्ट किया और 1,20,000 ये 2 लाख में एडजस्ट किया, तो इससे टैक्स 3640 आ रहा था, अपना 5200 आ रहा था बाय टू डबल जीरो। क्या किया तूने सर? 2.5 लाख अपने को एडजस्ट करना है। Hmm. अपन ने इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं किया 112 में, अपन ने पूरा इसमें एडजस्ट किया था जो अपन ने सॉल्व किया, तो उससे टैक्स 5200 आ रहा था और मैंने 50,000 इसमें एडजस्ट किया तो ये जीरो हो गया। 1 लाख तो ऐसे ही बियॉन्ड उसके ऊपर ही टैक्स है 112 ए में, 1 लाख के ऊपर ही है सर। इसमें 50,000 एडजस्ट कर दिया, ये जीरो हो गया क्योंकि 1 लाख के ऊपर ही है टैक्स। तो बाकी का जो 1,20,000 है वो इसमें एडजस्ट किया, 80,000 बैलेंस आया, इसमें 20% टैक्स लगाया तो ये रिबेट माइनस 87 ए आई है। हाँ तो ये भी सही है ना, ये ज़्यादा बेटर अप्रोप्रिएट है, करेक्ट। तो ये सही है क्या सर? ये अप्रोप्रिएट है, यस ये अप्रोप्रिएट है। कल देंगे हम ये दोनों आंसर रहेंगे उसके पास, हैव बोथ। सर दोनों राइट आंसर, एब्सोल्युटली। वन व्हिच रिड्यूस द टैक्स विल बी कंसीडर्ड नो। LTCG अंडर 112 में से रिबेट नहीं मिलेगा ना, 6,000 और 5,000 थे, 5,000 पे तो रिबेट मिलता ही नहीं, तो 6,000 ही रिबेट हुआ ना मैक्स, 100% ऑफ टैक्स 12,500। सर अगर एग्जाम में दिया रहेगा इनकम इज 5,04,000 या 5, तो ऊपर के इसमें राउंड ऑफ करते हैं नीचे के इसमें? लास्ट फिगर 4 तक के है, 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000, 5,04,000, वो 5,00,000 टैक्स जीरो, 5,05,000 देयर विल बी टैक्स। रिबेट तू 112 ऐसे नहीं दे रहा, रिबेट तू लॉन्ग टर्म से दे रहा है। लॉन्ग टर्म से तो रिबेट मिलता है ना 112 वाले से। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इस इनकम से रिबेट नहीं लेते। 10 प्रॉब्लम वही सॉल्व किया भाई तूने, सिर्फ इसमें से नहीं लेते। ऐसा नहीं प्रॉब्लम में वो आ गया तो रिबेट ही नहीं लेते, सिर्फ उतने कंपोनेंट का जो टैक्स आ रहा है उस पे से नहीं लेते। लॉटरी में से एडजस्ट नहीं होगा,
लॉटरी में से एडजस्ट नहीं होगा। पिन दे, का करता असा तू? हे इकडे ये बघ, इकडे तुझा टॅक्स नील आला 90,000, 12,500 रिबेटचे मायनस केले, जे काही असला 78,500 प्लस एच ई सी, टॅक्स झिरो राहेगा 1,00,000 नाही। पार्किंग के पास का बोलता हूँ, मिल जाएगा आजकल, मैं ट्राई करता हूँ, बोलता हूँ ना जाके। सर एक बार ये वाला बताना बस, क्या है वो? सर इसमें रिबेट क्यों नहीं दिया? वाह, 4,90,000 है ना सर, अंडर 5,00,000 सर, टोटल उसका 4,90,000 है ना, तो हाँ ठीक है, जीरो से जाएंगे। और पीछे चलेंगे, पढ़ लिया अपन ने पीजीबीपी 1,00,000, बेसिक एग्जाम सेलेमेंट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो इधर के 1,50,000 लेके आए ताकि 2,50,000 हो जाए, इसमें से बेसिक माइनस इधर क्या हो जाए, नील हो जाए। 112A 3,90,000 था, 3,90,000 में से पहले एक बाजू कर दो, फिर इधर के 1.5 बाजू कर दो, कितना बचा? इस पे कितना परसेंट? तो कितना आ गया टैक्स? टैक्स 14,000 आ गया, माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 112A 87A दूं? क्यों? अरे यही तो डाउट था तेरा, अब मेरे को बता क्यों नहीं दूं? प्लस 4% एच ई सी, नहीं वापस बोल। हमारे इसमें क्या लगता है कि एलटीसीजी 112A के अंडर 1,00,000 के ऊपर इनकम लगता है, और उसके उसको अगर 5 इनकम हेड से 2,50,000 से कम इनकम आ रहा है तो हम वो एडजस्ट करते हैं एलटीसीजी। पेपर पे लिख के लाना, पेपर पे लिख, पेपर तो लिख, पेपर लिख, इससे भी लिख क्या है वो। नहीं सिर्फ हाथ उठा, मैं खुद पूछना आ जाएगा, आता है मेरे को सब दिखता हुआ एंड तक के भी दिखता। एकत्वम लाइब्रेरी 3 से 4 दिन के अंदर में फंक्शनल हो जाएगा। शाम 9:30 बजे तक के यूज कर, 9-9:30 बजे तक के यूज कर पाओगे। बहु मजा आया ना, इसको स्टॉप करना रे बाबा। हाँ ओके मलंग तेरे, चलो ऑनलाइन वालों एक मिनट रुक, यार इनकड़ा सर माझ्या मुलाने तुमच्याकडे डायरेक्ट टॅक्स चा क्लास लावला आहे पण तुमच्या ऍप वर लाइव दिसत नाही आणि तुम्ही टेक्निकल टीम पण आम्हाला सहकार्य करत नाही। सुदीप साहेब मी तुम्हाला माझा नंबर पाठवतोय, कृपया तुम्ही मला मेसेज करा, तरवरीत माझा टेक्निकल टीमला मी सांगतो करायला। स्निग्धा सर कोलकाता में 11 बजे कॉस्ट का क्लास क्लैश हो रहा है तो क्या करें? स्निग्धा मैं क्या कर सकता हूँ बताना, मतलब पुणे का टाइम चेंज नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट में, आई वुड हैव डन इट, आई वुड हैव लव टू डू इट बट नहीं हो सकता बच्चे। यस सर व्हाट अबाउट न्यू टैक्स रेट? बेटा पहले ओल्ड तो पढ़ लो, अभी तुम्हारा ओल्ड ही नहीं, ओल्ड का भी बहुत बाकी है अभी। चैप्टर नंबर 1 इज 140 पेजेस इन योर मॉड्यूल,
कैसे करूँ सर? बुक्स कब तक आएंगे? हमारे यहाँ से निकल गए, अब जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा भाई, 2 मिनट। 112 एम से 50 किया एंड देन 112 किया तो ऑल टैक्स बचता है, 3640 आता है। यस नंदिनी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, और कल हम उसके ऊपर वो भी क्वेश्चन लेंगे। हम जो आप कह रही हैं ना उसका आंसर 3640 भी आता है एंड दैट वुड बी अ लोअर टैक्स, हम वो कंसिडर करेंगे। सर बैकअप सेम डे प्रोवाइड कर दो, नहीं पॉसिबल है बच्चे। अरे कैसे 10 लोगों का बैकअप, इंटर से फाइनल तक के बैकअप, नहीं पॉसिबल यार। सर एक आदमी है जिसका इनकम लेस देन 5 है, फ्रॉम 5 हर्ट्ज लेस देन 5 हर्ट्ज आल्सो इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 5 हर्ट्ज आल्सो इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हां सर वो हां सब है, पर मैं ऐसे लिख के रहा हूं सर, तो इनकम फ्रॉम 5 जो सब उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी आया तो उसका इनकम 2,50,000। रुको सर फ्रेम करा आराम से। डन डन डन, थैंक यू सो मच। अरे रिकॉर्ड तूने रोका ना, रिकॉर्डिंग तूने बंद किया ना, देख एक मिनट हुआ है क्या? सर एलटीसीजी 112 ए छोड़कर बाकी का जो इनकम है वो 2,50,000 से कम है उसका, और एलटीसीजी से कुछ इनकम आ रहा है उसको 112 ए को। पीजीबीपी कितना है? कुछ तो है वो, कुछ तो है। कैसे कुछ तो है मतलब जीरो, टैक्स जीरो? नहीं नहीं सर 2 लाख से 2,50,000 से कम है। 2 लाख पहले इधर 50,000